चलो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्कूल के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन हाई स्कूल। वैसे तो इसे गवर्नमेंट ने बनाया है, पर जब मैं इसके फीचर्स बताऊंगा ना, तो आपको नहीं लगेगा कि ये कोई गवर्नमेंट स्कूल है, क्योंकि ये जो सा स्कूल है ये बाकी स्कूल से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि ये स्कूल नहीं है, बल्कि ये तो पूरी की पूरी जन्नत है, जहाँ पर बच्चों को बेसिक से बेसिक ग्रोसरी से लेकर एंटरटेनमेंट तक की हर चीज मिल जाती है, और ऊपर से हर मंथ खर्चने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसे रिडीम करके वो लिटरली कुछ भी ले सकते हैं। यार ये सब कुछ सुनकर तो मेरा भी दिल कर रहा है कि काश मैं भी स्कूल में लग जाऊं। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि यार स्कूल वाले इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं, तो स्कूल वालों का कहना है कि अगर बच्चों ने इसमें एडमिशन लेने में इतनी मेहनत की है, तो वो तो इन पॉइंट्स के हकदार हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं हमारे एमसी से, जिसका नाम है आयन कोची कियोटाका, जो कि अपने नए स्कूल जाने के लिए एक बस में ट्रेवल कर रहा होता है। तो अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको सच में लगता है कि इस दुनिया में इक्वालिटी नाम की भी कोई चीज है? क्योंकि यहाँ पर जहाँ मर्जी चले जाओ, वहाँ पर बस इक्वालिटी की ही बात होती है। एक बार एक समझदार व्यक्ति ने कहा था कि भगवान ने सभी लोगों को इक्वल बनाया है, पर जब हम इस दुनिया में जन्म ले लेते हैं, तब हमारे बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसका कारण हमारी एजुकेशन या फिर पैसे हो सकते हैं। और अगर मैं सच कहूँ तो इक्वालिटी बस एक धोखा है, और हम ये पूरी जिंदगी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और तब हमें इस बात का एक प्रूफ दिखता है, जहां उसी बस में एक लड़की एक बूढ़ी औरत के बैठने के लिए लोगों से सीट मांग रही होती है, पर कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा होता। पर बहुत सोचने के बाद आखिरकार एक लड़की उन्हें सीट दे ही देती है, और तब आयन कोजी अपनी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सभी बच्चे एक दूसरे को अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तभी उनकी टीचर साय चाबाशीरा वहां आ जाती है, और उन्हें स्कूल के रूल्स के बारे में बताने लगती है। तो मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि अब से लेकर आपकी ग्रेजुएशन तक मैं ही आपकी क्लास टीचर रहूंगी, और ना ही आप अपने स्कूल टाइम में कभी भी अपनी क्लास को चेंज करोगे। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपको यहाँ की फैसिलिटीज को यूज करने के लिए पॉइंट्स की जरूरत होगी, और इस मंथ आप सबको 1 लाख पॉइंट्स दिए गए हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये स्कूल आप सबको आपकी मेरिट के अकॉर्डिंगली जज करेगा। और यहाँ अनकोजी कुछ ग्रोसरी खरीदता है और सोचता है, अगर गवर्नमेंट यहाँ के हर बच्चे को 1 लाख पॉइंट्स दे रही है, तो इस हिसाब से ये पर ईयर 360 मिलियन येन इन बच्चों पर खर्च कर रही है। क्या गवर्नमेंट के पास सच में इतना पैसा है? और वहाँ वो अपनी एक क्लासमेट से मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से मिल गए। तो जैसे कि हम लोग क्लासमेट्स हैं और अगले 3 सालों तक एक साथ बैठने वाले हैं, तो क्या तुम अपना मुझे नाम नहीं बताओगी? अगर मैं तुम्हें अपना नाम ना बताऊं, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, पर ये बहुत अजीब लगेगा कि हम लोग इकट्ठे तो बैठते हैं, पर हम दोनों को एक दूसरे का नाम ही नहीं पता। और तो वो अपना नाम सुजुने होरिकिटा बताती है, और ग्रोसरी की शॉपिंग करनी स्टार्ट कर देती है। और तब हम यहाँ कुछ फ्री प्रोडक्ट्स को देखते हैं, जो कि उन लोगों के लिए रखे जाते हैं जो एक ही महीने में अपने सारे पॉइंट्स खर्च कर देते हैं। और तभी बाहर उन्हीं की क्लास का एक लड़का बाकी लड़कों के साथ लड़ रहा होता है, और एक डस्टबिन को लात मारकर वहां से चला जाता है। और तब आयन कोजी सीसीटीवी कैमरा को देखकर उस डस्टबिन को ठीक कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग अपने अपने पॉइंट्स को खर्च करके मजे कर रहे होते हैं। और तब यहाँ आयन कोजी कुशीदा से मिलता है, जिसे हमने बस में भी देखा था, और कुशीदा उससे सुजुनो के साथ दोस्ती करने के लिए हेल्प मांगती है, और आयन कोजी उसके इतना कहने पर मान जाता है। और यहाँ हम देखते हैं आयन कोजी कुशीदा की मदद करने के लिए सुजुने को कॉफी पर चलने के लिए कहता है। तब सुजुने कहती है, हम तो इतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं, तो क्यों तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? मेरे कोई दोस्त नहीं है, और जिस कॉफी शॉप में मैं जाने वाला हूँ उसमें मोस्टली लड़कियाँ होती है, तो मुझे लगता है जैसे कि वहाँ पर मेरी नो एंट्री है, तो इसलिए मैं तुम्हें साथ चलने के लिए कह रहा हूँ। और तब वो दोनों कॉफी के लिए चले जाते हैं, जहाँ उनके पहुँचते ही एक टेबल खाली हो जाता है, और तब कुशीदा उनके पास आ जाती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे कि ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है। तब सुजुने कहती है, अब जब ये यहाँ आ चुकी है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वैसे भी मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, और क्योंकि हम लोग क्लास के खत्म होते ही यहाँ पर आ गए थे, तो इसका मतलब यही है कि वो लोग यहाँ पर ज्यादा देर से नहीं बैठे हुए थे। तो आखिरकार क्यों उन्होंने अपनी सीट इतनी जल्दी
खाली करती। तब अनाकोची कहता है, मुझे माफ कर देना पर ये हम दोनों की चाल थी। और तब कुशीदा उसकी फ्रेंड बनने की बात करती है पर सुजू ने मना कर देती है। तब अनाकोची कहता है, क्या तुम इस चीज को कंसीडर नहीं कर सकती क्योंकि इस तरह तो तुम अगले 3 साल तक अकेली ही रह जाओगी। तब सुजू ने कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पिछले 9 सालों से अकेली रही हूँ। और तब कुशीदा और अनाकोची अपने रूम्स की तरफ वापिस जाने लगते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि कुशीदा ने और भी क्लास की लड़कियों के साथ दोस्ती की होती है। और हम देखते हैं दिन बीतते जाते हैं और क्लास में कोई भी बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता और टीचर भी उन्हें कुछ नहीं कहती। पर जब अगले महीने की 1st तारीख आती है तो किसी को भी उनके पॉइंट्स अलॉट नहीं होते। और तब वो टीचर से इसके बारे में पूछते हैं। तब टीचर कहती है, इस मंथ के पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। तुम्हारी क्लास ने पहले ही महीने में बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ये स्कूल आपके ग्रेड्स और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स देता है, तो जिस वजह से आप सबके बिहेवियर की वजह से आप सबको 0 पॉइंट्स दिए गए हैं। जिसे सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। तब टीचर कहती है, अब ये सब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि आप सबको इतने सारे पॉइंट्स क्यों दिए जा रहे हैं? तुम सभी ने जरा भी अपनी कॉमन सेंस को यूज नहीं किया है, तो इसलिए तुम सबको इस चीज का भुगतान भी करना ही होगा। और अब तुम सबको एहसास हो ही गया होगा कि तुम सभी लोग किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम सब लोग बस एक कचरा हो। और यहाँ हम देखते हैं पूरी डी क्लास पूल पर मजे कर रही होती है और इधर सुजुने और अनाकोची नए आए सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में उनकी टीचर ने उन्हें कहा था कि ये सिस्टम तुम पर हर टाइम नजर रखता है और तुम्हारे बिहेवियर के अकॉर्डिंगली तुम्हें पॉइंट्स देता है। और क्लास जी ने अपने बिहेवियर से ये प्रूव कर दिया है कि वो सबसे लास्ट रैंक डिजर्व करती है। वैसे तो ये बहुत कमाल की बात है क्योंकि आज तक कोई ऐसी क्लास नहीं आई है जिसने अपने पहले ही महीने में अपने सारे पॉइंट्स गवा दिए हो। क्या टीचर आप हमें वो वाली सिचुएशंस नहीं बता सकती जिसमें हमें पॉइंट्स मिलेंगे और किसमें हमारे पॉइंट्स लूज होंगे? तुम लोग असली दुनिया में जी रहे हो तो इसलिए तुम्हें खुद सोचना होगा कि आखिरकार तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि असली दुनिया में कभी कुछ भी बताया नहीं जाता। एस सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट्स को 100 पॉइंट्स मिलते हैं और जिस हिसाब से हर क्लास के पॉइंट्स 1000 होते हैं, पर तुम लोगों ने तो अपने सारे पॉइंट्स ही गवा दिए। और तुम्हारी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम लोग एग्जाम के बेसिस पर पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हो और अगर तुमने सी पॉइंट्स सी क्लास से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए तो तुम्हारी क्लास को सी क्लास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और अभी की सी क्लास डी क्लास बन जाएगी। और मेरे हिसाब से तुम्हें ये सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं जो इस बार तुम लोगों ने क्विजेस दिए थे उसके हिसाब से तुम्हारे रिजल्ट्स कचरा हैं, तो तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा क्योंकि इसके बाद अगर किसी के भी मार्क्स पासिंग ग्रेड से कम आए तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पूल पर हिराटा सभी से क्लास के हालात को चेंज करने की बात करता है और उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट करने लगता है। तब सभी लोग इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं पर सुडो उनको मना करके वहाँ से चला जाता है। और तब ये सब कुछ तुजुने का भाई मानुबू देख रहा होता है और वो क्लास एक के कुछ मेंबर्स से पूछता है कि तुम लोगों ने इस बार बहुत अच्छे पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, तो क्या तुम इस चीज को बताने का कष्ट करोगे कि तुम्हें एस सिस्टम के बारे में कितना पता है? और यहाँ क्लास जी के सारे मेंबर्स जरूरत का सामान खरीदने के लिए एक दूसरे से पॉइंट्स बोरो करने की बात कर रहे होते हैं। और तब सुजुने अनाकोची को खाने के लिए इनवाइट करती है और उसे कहती है, जैसे कि तुमने हिराटा की बातों को सुना ही था, वो सभी लोग मिलकर एक स्टडी ग्रुप बना रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग वो सभी लोग अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए इकट्ठे पढ़ाई करेंगे, पर उनके ग्रुप को 3 बच्चों ने ज्वाइन करने से मना कर दिया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उन 3 बच्चों के ग्रेड सबसे ज्यादा कम है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें इतनी छोटी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही है। और अगर अब हम सच में क्लास सी को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो हमें और भी ज्यादा पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा, जिसके लिए उनका पास होना भी जरूरी है। तो इसलिए मैं एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहती हूँ, क्योंकि चाहे मैं अभी क्लास डी में हूँ पर मैं बहुत जल्दी क्लास ए में जाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इसमें मदद करो और ये खाना मैंने तुम्हें इसीलिए खिलाया है ताकि तुम मेरा ये काम कर सको। और हाँ, ये भी मत भूलना कि मैंने अभी तक तुम्हें कुशीदा के साथ मुझे धोखा देने के लिए माफ नहीं किया है, तो इसलिए अब मैं तुम्हें अपना फोन नंबर और ईमेल दे रही हूँ, तो अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो तुम इसके द्वारा मेरे से बात कर सकते हो।
तब आयने कोजी कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे पहली बार इस तरह एक लड़की का नंबर मिल रहा है। और तब वो उन तीनों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है, पर हम देखते हैं वो तीनों ही उसके ऑफर को ठुकरा देते हैं। और तब आयने कोजी इस चीज के लिए कुशीदा से मदद मांगता है और उसे फोन करके सारी बात बताता है। तब कुशीदा भी इस स्टडी ग्रुप में एड होने की बात करती है। और तब आयने कोजी जैसे ही सुजने को इसके बारे में बताने लगता है, हम देखते हैं वो इस बात के लिए तभी मना कर देती है और उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। और तब कुशीदा इस चीज को अपने अकॉर्डिंगली हैंडल करने की बात करती है। और हम अगले दिन देखते हैं वो छह लोग मिलकर एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं। और यहाँ सुजुने पढ़ते पढ़ते सूडो की बेइज्जती कर देती है। तब सूडो कहता है, तुम अपनी बकवास करना बंद करो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस को छोड़कर तुम्हारे साथ ये बकवास काम करने आया हूँ। और तब वो और उसके साथी उस ग्रुप को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और तब कुशीदा सुजुने को अपने बिहेवियर को ठीक करने के लिए कहती है। तब सुजुने कहती है, मुझे अब समझ में आ गया है, जो भी चीज मैं करना चाहती थी वो बस मेरे टाइम की वेस्टेज है, क्योंकि अगर ये लोग हमें पॉइंट्स अर्न करने में मदद नहीं करने वाले तो इससे अच्छा तो ये है कि ये लोग स्कूल से निकल ही जाएं। तब कुशीदा कहती है, तो अब तुम्हें ऐसा लगता है, पर मैं अभी भी इन लोगों पर गिव अप नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और मुझे लगा था कि तुमने भी ये ग्रुप इसलिए शुरू किया है क्योंकि तुम उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती थी। तब सुजुने कहती है, वो छोड़ो, तुम अपना बताओ, आखिरकार तुम क्यों इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती थी? क्या तुम फिर से मुझे धोखा देना चाहती हो? और तब कुशीदा ये सुनकर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और तब रात में आयने कोची बाहर जूस पीने आया होता है। और तब वो सुजुने को अपने भाई के साथ बात करते हुए देख लेता है, जहाँ पर वो उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। और तब सुजुने जैसे उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है, हम देखते हैं वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि ये कितनी बेइज्जती वाली बात है कि मेरी बहन डी क्लास में है, तो इसलिए तुम्हें अब इस स्कूल को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है जिससे तुम क्लास ए में पहुंच पाओ। और तब वो जैसे ही उस पर हाथ उठाने लगता है, पर तभी आयने कोजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सुजुने को छोड़ने के लिए कहता है। पर सुजुने आयने कोजी को वहां से जाने के लिए कहती है। और तब आयने कोजी जैसे ही सुजुने के भाई का हाथ छोड़ता है, तभी वो आयने कोजी पर हमला कर देता है, पर आयने कोजी उसके सभी हमलों को डॉज कर देता है। तब मनाबू कहता है, अब मुझे समझ में आया कि तुम कौन हो। मैंने सुना था कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में सभी सब्जेक्ट्स में 50 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और यहाँ तक कि तुम्हारे क्विज में भी 50 मार्क्स ही आए हैं। पता नहीं तुम ये करके क्या साबित करना चाहते हो, पर तुम सच में बहुत यूनिक हो। और सुजुने, ये तो बहुत कमाल की बात है कि तुम यहाँ पर कोई दोस्त बना पाई हो। तब सुजुने कहती है, ये मेरा दोस्त नहीं है और आप तो जानते ही हो कि मैं हमेशा अकेले काम करती हूँ। तब उसका भाई कहता है, तुम फिर से गलत रास्ता चुन रही हो, तुम तो आइसोलेशन को आजादी समझ बैठी हो। और हाँ, अगर तुम्हें और ऊपर जाना है तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और वहाँ से चला जाता है। तब थोड़ी देर बाद सुजुने कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अपने सभी टेस्ट में इतने परफेक्ट स्कोर कैसे हासिल किए? तब आयना कोजी कहता है, वो तो बस एक कोइंसिडेंस था। तो मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में उस स्टडी ग्रुप को बंद करना चाहती हो? क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता ही है कि इससे वो स्कूल से निकाले भी जा सकते हैं। तब सुजुने कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग फेल होंगे या फिर पास। वैसे भी अगर वो हमारी क्लास के पॉइंट्स बढ़ाने में हेल्प नहीं कर सकते तो इससे तो अच्छा है वो यहाँ से चले ही जाएं, जिससे हम ज्यादा आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। तब आयने कोजी कहता है, यहाँ तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमेशा लोग ही हैं जो कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते, जिस वजह से तुम उनसे दूरियां बनाकर रखती हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि क्या पता इसी की वजह से तुम क्लास डी में हो? और ऐसे ही कुछ दिन पास हो जाते हैं और उनके टेस्ट के बाद उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं, जिसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होता है। और सभी लोग इस बात से खुश होकर कुशीदा को थैंक यू कहने लगते हैं। तब सुजुने आयने कोजी से कहती है, आखिरकार तुमने क्या किया है? और तब हमें टेस्ट के पहले के तीन दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सूडो और क्लास बी के कुछ लड़कों के बीच में बहस हो रही होती है। और तब चिनोजी आकर उन्हें रोक देती है और डिपार्टमेंट में इस चीज की शिकायत करने की धमकी देती है। और तब वापिस जाते हुए रियोन सूडो का मजाक उड़ाने लगता है। तब आयने कोजी सूडो को शांत रहने के लिए कहता है और उसे अपने साथ कुशीदा के स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहता है।
पर वो उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। और तब शाम को सुजुने सूडो को नोट्स देते हुए कहती है, अगर तुम सच में बास्केटबॉल खेलना चाहते हो तो तुम्हें इन्हें पढ़ना ही होगा, नहीं तो तुम यहाँ से बाहर निकाल दिए जाओगे। और हाँ, इतना ध्यान रखना, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। और तब अगले दिन कुशीदा और अनकोजी अपने एक सीनियर से मिलने जाते हैं और उसे पॉइंट्स के बदले पुराने क्वेश्चन पेपर देने के लिए कहते हैं। और तब हम देखते हैं काफी नेगोशिएशन के बाद वो सीनियर 15,000 पॉइंट्स के बदले पुराने क्वेश्चन पेपर देने के लिए तैयार हो जाता है। और तब थोड़ी देर बाद कुशीदा कहती है, पर क्या तुम्हें लगता है कि ये सही रहेगा? तुम चिंता मत करो, ये स्कूल रूल्स के अंडर ही आता है और उसके रिएक्शन से मुझे पता चल चुका है कि ऐसी चीजें बहुत बार हुई हैं। और तब अनकोजी को पुराने क्विज का पेपर आता है और तब वो नोटिस करता है कि उनके और 2 साल पहले वाले क्विज के पेपर के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम होते हैं। और तब वो कहता है, कुशीदा क्या तुम इन सभी चीजों का क्रेडिट ले सकती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दें और वैसे भी वो लोग मुझसे ज्यादा तुम पर विश्वास करते हैं। और कुशीदा इस बात के लिए मान जाती है। और तब हम देखते हैं वो एग्जाम से एक दिन पहले मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर सबको बांट देती है और सभी लोग इसी बात के लिए उसे टेस्ट के बाद थैंक यू कह रहे होते हैं। तब टीचर अनाउंस करती है कि सूडो फेल हो चुका है, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और ये इसलिए है क्योंकि इस बार पूरी क्लास की एवरेज का हाफ 39.8 बनता है, जिस वजह से सूडो एक पॉइंट से फेल हो गया है। तब सभी बच्चे उनसे मदद मांगने लगते हैं पर हम देखते हैं वो सबको मना करके वहाँ से चली जाती है। तब थोड़ी देर बाद अनकोजी अपनी टीचर से मिलने आता है और कहता है, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? क्या आपको सच में लगता है कि जापान में सभी लोग इक्वल हैं? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, मैं भी आपकी इस बात पर एग्री करता हूँ, पर हम ह्यूमन बीइंग्स सोचने की ताकत रखते हैं। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप रूल को अप्लाई करना चाहते हो तो वो सबके लिए सेम होने चाहिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सूडो को पास करने के लिए एक पॉइंट मुझे बेच दें। तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपने पहले दिन ही तो कहा था कि इन पॉइंट से आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो बताइए आपको कितने पॉइंट चाहिए? और तब टीचर उससे 100,000 मांगती है पर अनकोजी के पास इतने पॉइंट नहीं होते हैं। तब सुजुने भी अपने पॉइंट देने के लिए तैयार हो जाती है और हम देखते हैं टीचर उस डील के लिए मान जाती है और कहती है, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा कि तुम लोग कैसे आगे बढ़ते हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, आज तक कोई भी डी क्लास आगे नहीं बढ़ पाई है। और यहाँ हम देखते हैं क्लास ए के कुछ स्टूडेंट्स क्लास सी के रुएन को डेंजरस मान रहे होते हैं क्योंकि उसके कारण क्लास सी के पॉइंट दिन ब दिन बढ़ रहे होते हैं। और तब यहाँ अनकोजी और सुजुने क्लास ए तक पहुँचने की बात कर रहे होते हैं। तब अनकोजी उसे सूडो की मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। तब सुजुने कहती है, मैंने ये सब कुछ खुद के लिए किया है तो मुझे गलत मत समझो, अगर ऐसी बात है तो तुमने सूडो के लिए अपने पॉइंट्स को कम क्यों किया है? तुम चाहे मानो या ना मानो पर तुम्हें सच में दूसरों की फिक्र है। पर सुजुने इस बात को मान नहीं रही होती। और तब सूडो के पास होने की खुशी में डी क्लास के कुछ बच्चे अनकोजी के रूम में पार्टी कर रहे होते हैं। और तब कुशीदा उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने सूडो को एक्सपेल होने से बचाया कैसे? और तब अनकोजी सारा क्रेडिट सुजुने को दे देता है और हम देखते हैं सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और इस चीज को देखकर कुशीदा थोड़ी उदास हो जाती है। और तब हम देखते हैं जब शाम को सभी लोग वापस चले जाते हैं तब अनकोजी नोटिस करता है कि कुशीदा का फोन वहीं रह चुका होता है और तब वो उसका फोन रिटर्न करने के लिए उसके पीछे जाता है। और तभी थोड़ी दूर जाकर वो कुशीदा का कोई और ही चेहरा देखता है जहां वो गुस्से से कह रही होती है कि सुजुने आखिरकार तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ब्यूटीफुल होने के कारण मुझे हरा सकती हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। और तभी कुशीदा के फोन पर मैसेज आता है जिससे उसे पता लग जाता है कि अनकोजी उसके पीछे है और वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने कभी भी किसी को इसके बारे में बताया तो मैं तुम पर हरासमेंट का केस कर दूंगी और मेरे पास इस चीज के प्रूफ भी है। तब अनकोजी इस बात के लिए मान जाता है और तब वो उससे इस बात का प्रॉमिस ले लेती है। और तब हमें यहाँ अगले दिन क्लास बी दिखाई जाती है जहाँ पर पिछले दिन उनकी टीचर ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली होती है जिस वजह से वो होश में नहीं आ पा रही होती। तब सभी लोग देखते हैं कि उनके क्लास के पॉइंट्स बढ़ चुके हैं और वो इस चीज के लिए इचिनोसे का शुक्रिया करते हैं। और तब हमें पता चलता है कि इचिनोसे भी क्लास ए तक पहुँचने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ अनकोजी लिफ्ट में
तुजुने और कुशीदा को साथ देखकर हैरान हो जाता है और तब वो कुशीदा की रात की हरकतों को देखकर सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे अगले 3 साल तक इस लड़की के साथ रहना पड़ेगा। और तब लिफ्ट से उतरते ही कुशीदा इचिनोसे से मिलती है और तब इचिनोसे कहती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तब कुशीदा मना कर देती है और तब आयानाकोजी सोचता है, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि ये मेरे बारे में फील क्या करती है। तब टीचर उन्हें बताती है कि कोई टेक्निकल इशू की वजह से कुछ दिन बाद उन्हें उनके पॉइंट्स अलॉट होंगे। इचिनोसिस आयानाकोजी को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि मुझे किसी ने लव लेटर भेजा है और वो पर्सन मुझे बाहर लेकर जाना चाहता है, पर मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करो। और तब हमें पता लगता है कि वो लेटर उसे एक लड़की ने भेजा होता है, जिसका ये देखकर दिल टूट जाता है कि इचिनोसे का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। पर आयानाकोजी इस बात से मना कर देता है, कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता इस दुनिया में अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम ऐसा करते ही पूरी दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम बना लेते हो। तो इसलिए क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस लड़की को तुम्हारे ट्रू आंसर्स की जरूरत है? और हाँ, वैसे भी ये तुम्हारा डिसीजन है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में कुछ और बोलना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है और तब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लड़की रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तब आयानाकोजी इचिनोसे से कहता है, तो क्या तुम लोगों ने आपस में बात कर ली? तभी इचिनोसे कहती है, मुझे लगा था कि शायद मैं उसके साथ बात इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट करूँ, पर सच्चाई तो ये है कि मैं खुद इस बात से डर रही थी। और अब हम दोनों ने एक डील की है कि हम लोग बस अब नॉर्मल दोस्त रहेंगे, पर अब लगता है कि तुमने अब मुझ पर एक एहसान कर दिया है। तब अगले दिन क्लास डी की टीचर उन्हें बताती है कि क्लास सी के बास्केटबॉल टीम के कुछ लड़कों ने सूडो के खिलाफ कंप्लेंट की है कि उसने प्रैक्टिस के दौरान उन पर हमला करके उन्हें इंजर्ड कर दिया है। तब सूडो कहता है, पर मैंने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया है। तब टीचर कहती है, पर इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, पर अगर कोई इस बात की गवाही दे सकता है कि तुम निर्दोष हो तो यहाँ पर कुछ चीजें बदल सकती है। तब कुशीदा पूरी क्लास से इसके बारे में बात करती है, पर हम देखते हैं पूरी क्लास में से किसी को भी इस बारे में नहीं पता होता। तब टीचर कहती है, तो अब एक हफ्ते बाद स्टूडेंट काउंसिल इसके बारे में बात करेगी, जिस वजह से इस क्लास के पॉइंट्स भी कम हो सकती हैं और सूडो को कुछ और भी सहना पड़ सकता है। और यहाँ क्लास सी का रियोन बार में पार्टी कर रहा होता है। तब बास्केटबॉल टीम का एक मेंबर आकर उसे बताता है कि जरा ध्यान से सुनो रियान, मुझे लगता है कि किसी ने हमारी लड़ाई को होते हुए देख लिया था। और तभी हम देखते हैं उसी की क्लास का एक मेंबर उसे बहुत बुरी तरह मारता है और रियोन कहता है, अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सच में विक्टिम हो। और यहाँ कुछ बच्चे सूडो को निकालने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब सुजुने कहती है, क्या तुम इस बात पर एग्री करते हो कि हमें सूडो को एक्सपेल होने देना चाहिए? तब आयानाकोजी कहता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ, पर तुम बताओ, तुम भी तो चाहती थी कि सूडो को यहाँ से निकाल दिया जाए। तब सुजुने कहती है, वैसे तो हमारी क्लास के 0 पॉइंट्स हैं, तो इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सूडो यहाँ रहता है या फिर नहीं, क्योंकि इससे तो हमारे पॉइंट्स नेगेटिव में तो जाने नहीं वाले। तब आयानाकोजी कहता है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें लिखा हो कि हमारे पॉइंट्स नेगेटिव नहीं जा सकते, और ना ही हमें स्कूल के बाकी रूल्स के बारे में पता है। क्या पता स्कूल रूल्स में ये लिखा हो कि अगर आपकी क्लास में से कोई भी पर्सन स्कूल से एक्सपेल हो जाता है तो आपकी क्लास कभी भी क्लास ए नहीं बन पाएगी। तो अगर हमें सच में क्लास ए तक पहुंचना है तो हमें इन सभी चीजों को ऐसे लेना होगा जैसे कि ये जीने और मरने की बातें हों। और अगर हम ध्यान से सोचे तो सूडो बास्केटबॉल टीम में है और एक एथलीट है, तो शायद आखिर में वो हमारे किसी काम आ सकता है। और तब हम देखते हैं हिराटा सभी लोगों को सूडो की मदद करने के लिए गवाह इकट्ठे करने के लिए कहता है और हम देखते हैं सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं और सुजुने इस बारे में कुछ नहीं कहती है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग सूडो की मदद करने के लिए सुराग ढूंढ रहे होते हैं। और तब यहाँ कुशीदा इचिनोसे को भी अपनी मदद करने के लिए कहती है और हम देखते हैं इचिनोसे उनकी मदद करने के लिए नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपका देती है जिसमें उसने अपनी मदद करने वाले को रिवॉर्ड करने की बात की होती है। और तब इचिनोसे को एक मेल आती है जिसमें लिखा होता है कि उसने सूडो की लड़ाई को देखा था और जो लड़का सूडो के साथ लड़ा था उसका नाम इसी जाकी है
और क्योंकि वो स्कूल में एक अच्छा फाइटर था तो स्कूल में सब लोग उससे डरते थे। तब कांजाकी कहता है, इस बात ने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर हम ध्यान से सोचे तो बास्केटबॉल के सभी लड़के सूडो की तरह ताकतवर हैं, जिसका मतलब अगर सूडो की किसी के साथ लड़ाई हुई है तो सूडो को भी चोट आनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिसका मतलब है कि वो उसे मारना नहीं चाहते थे, वो बस सूडो को फंसाना चाहते थे ताकि वो अपने बिहेवियर की वजह से इस स्कूल से निकाला जाए। और तब सुजू ने जैसे ही उस मेल वाले पर्सन को पॉइंट सेंड करने लगती है, हम देखते हैं उसे उसकी आईडी शो नहीं हो रही होती, और तब आयनकोजी इसमें उसकी मदद करता है और वो इचिनोजे के पॉइंट्स को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो सोचता है आखिरकार किसी पर्सन को इतने सारे पॉइंट्स की जरूरत क्यों ही पड़ सकती है। और तब आयनकोजी जैसे ही अपने रूम में वापस जाता है, वो देखता है उसके रूम का दरवाजा पहले से ही खुला होता है और उसके रूम के अंदर उसके सारे दोस्त बैठे होते हैं जो कि उसके रूम की डुप्लीकेट की को यूज करके अंदर आ चुके थे। और तब सुजुने भी वहां आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि उनकी क्लास की एक लड़की साकुरा ने ये सब कुछ होते हुए देखा है और उसे ये इसलिए पता है क्योंकि जब कुशीदा ने ये सवाल पूछा था तब वही एक लौती लड़की थी जिसने किसी के भी साथ नजरें मिलाने की कोशिश भी नहीं की। और तब हम देखते हैं साकुरा किसी का भी फोन नहीं उठा रही होती। तब सुजुने कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ कहेगी या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कोई मामूली मैटर नहीं है। क्या तुम लोगों को यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? पर हम देखते हैं किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तब सुजुने वहाँ से चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं रात को कुशीदा आयनकोजी से मिलने आती है और सुजुने की बात को एक्सप्लेन करने की बात करती है। तब आयनकोजी कहता है, जैसे कि तुम्हें पता ही है सूडो को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जिस वजह से वो किसी को भी कुछ भी कह देता है, तो इसलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो निर्दोष है या नहीं। और ये बात मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम एक सिनेरियो सोचो जिसमें एक मर्डरर और एक रिस्पेक्टफुल इंसान को एक केस में पकड़ा गया हो और वो दोनों ही ये बात कह रहे हो कि उन दोनों ने कुछ नहीं किया है, तो तुम ही बताओ कि तुम किसकी बात पर विश्वास करोगी। तब कुशीदा कहती है, मैं उस इंसान पर विश्वास करूंगी जिसकी सोसाइटी में एक इमेज है। तब आयनकोजी कहता है, सही कहा, पर सच्चाई तो ये है कि वही रिस्पेक्टेड पर्सन असल में कातिल है, और क्योंकि तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो इसका मतलब लोग सिर्फ उसी पर्सन की बात मानेंगे जिसने पहले कभी रूल ना तोड़ा हो, और सूडो का बिहेवियर ही वो रीजन है जिस वजह से उस पर ये मुसीबत आई है, और शायद यही वो रीजन है जिस वजह से सुजू ने हमारे साथ काम नहीं करना चाहती। तब कुशीदा कहती है, पर मुझे फिर भी विश्वास है कि हमें एक दोस्त होने के नाते सूडो की मदद करनी चाहिए। तब आयनकोजी कहता है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो तुम्हें यही करना चाहिए। तब कुशीदा कहती है, ठीक है, अब मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है और तुम चिंता मत करो, साकुरा से मैं खुद बात कर लूंगी। और तब हम अगले दिन देखते हैं जैसे ही कुशीदा साकुरा से बात करने लगती है, हम देखते हैं साकुरा उससे बात करने से मना कर देती है और इसी हड़बड़ाहट में उसका कैमरा नीचे गिर जाता है और तब साकुरा उससे परेशान होकर उसके कैमरे को उठाकर वहां से भाग जाती है और सोचती है, अगर मैं इस चीज में इन्वॉल्व हुई तो सभी को मेरे सच के बारे में पता लग जाएगा। तब आयनकोजी सोचता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड हॉल ने पर्सनल स्पेस को चार हिस्सों में बांटा है जिसमें से एक हिस्सा इंटीमेट स्पेस है जो कि सबसे ज्यादा क्लोज स्पेस है, और अगर कोई इंसान किसी के इस स्पेस में होता है तो उसे उसके बारे में सब कुछ पता होता है जिस वजह से वो उसे हर्ट भी कर सकता है, तो इसलिए काफी लोग दूसरे लोगों को इस जोन में आने नहीं देते। पर कई लोगों के पास ये पावर होती है कि वो किसी की भी क्लोज स्पेस में इजीली एंटर कर सकते हैं और बिना उन्हें हर्ट किए उनकी सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं, और कुशीदा उन्हीं में से एक पर्सन है। पर फिर भी साकुरा ने उसे अपने करीब भी नहीं आने दिया, और पता नहीं ऐसा कौन सा रीजन है कि वो उसकी आंखों में डायरेक्टली देख भी नहीं पाई। आखिरकार वो क्या छुपा रही है? और तब अगले दिन आयनकोजी और कुशीदा साकुरा का डिजिटल कैमरा उसके साथ ठीक करवाने मार्केट आए होते हैं, पर आयनकोजी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो यहाँ क्या करने आया है। और तब साकुरा जैसे ही अपने कैमरे को ठीक करवाने के लिए शॉप के अंदर लेकर जाती है, तब हम देखते हैं वहाँ का एक एम्प्लॉय उसे बार बार घूर रहा होता है जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, और तब वो एम्प्लॉय साकुरा को एक फॉर्म देता है और उस पर उसे उसका नंबर लिखने के लिए कहता है जिससे साकुरा और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तब आयनकोजी को उसके वहाँ आने का रीजन समझ आता है और वो साकुरा की जगह उस एम्प्लॉय को अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता है, और तब साकुरा उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है और खुशी
यशिदा के जाने के बाद आयने कोजी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सूडो के केस में क्या करना चाहिए? तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम चाहती हो, पर मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही कि तुम मेरे साथ ये बातें क्यों कर रही हो। तुम ये बातें कुशीदा के साथ भी कर सकती थी ना। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी आँखें बाकियों से अलग है। ये आँखें मुझे बिल्कुल नहीं डराती है। तब आयने कोजी सोचता है, इसकी इंट्यूशन तो सच में कमाल की है और इसी वजह से ये कुशीदा पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। तब आयने कोजी कहता है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम्हें वो करना चाहिए और तुम्हें बस अपनी भलाई के लिए ही सूडो की मदद करनी चाहिए। और तब कुशीदा वापस आ जाती है और वो लोग वापस चले जाते हैं। और यहाँ रात को कुशीदा आयने कोजी से मिलने आती है, जहाँ वो उसे साकुरा की कुछ पिक्चर्स दिखाती है। तब आयने कोजी कहता है, क्या ये सच में साकुरा है? वैसे तो इन पिक्चर्स में इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल है, पर इस एक पिक्चर को देख कर लग रहा है कि ये इसी हॉस्टल के एक रूम से ली गई है। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये साकुरा ही है? ये शायद वही हो सकती है, क्योंकि अगर मैं ध्यान से सोचूं तो उसने फेक स्पेक्स पहन रखे थे। और तब कुशीदा को साकुरा की एक मेल आती है, जिसमें वो सूडो को केस में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और अगले दिन सुजुने आयने कोजी से नाराज होती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने कुशीदा के एक बार कहने पर उसकी मदद कर दी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था तब तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर छोड़ो, मैं तुम्हें बता दूं, आज क्लास के बाद सूडो के केस की हियरिंग है। और यहाँ हम देखते हैं वो हियरिंग स्टार्ट हो चुकी होती है और सुजुने का भाई भी वहाँ प्रेजेंट होता है, जिस वजह से वो थोड़ी नर्वस होती है। और तब केस की हियरिंग शुरू हो जाती है, जहाँ वो सूडो के ऊपर उन तीनों लड़कों को मारने का इंजाम लगाते हैं और सूडो इस बात से मना कर रहा होता है। और तब ताचीबाना सूडो को अपनी सफाई में विटनेस पेश करने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कहता है। और तब ताचीबाना जैसे ही सूडो के खिलाफ उस केस का रिजल्ट प्रेजेंट करने वाली होती है, तभी आयने कोजी सुजुने को पिंच करता है और सोचता है, अगर कभी कोई किसी जगह ध्यान ना दे रहा हो तब उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसे दर्द हो, ताकि वो रियलिटी में वापस आ सके। और कहता है, अगर तुमने अब लड़ना स्टार्ट नहीं किया तो हम जल्द ही हारने वाले हैं। और तब सुजुने क्लास सी के लोगों से कुछ सवाल जवाब करने की इजाजत मांगती है। और तब वो क्योगो से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सूडो ने तुम्हें कैसे बुलाया? जब प्रैक्टिस खत्म हुई तब वो मुझसे कुछ बात करना चाहता था। तो फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम इशिकाज़ी को अपने साथ क्यों लेकर गए थे? वो तो बास्केटबॉल टीम में भी नहीं है। मैं उसे अपनी सिक्योरिटी के तौर पर लेकर गया था, क्योंकि सूडो का कोई पता नहीं है वो कब हमला कर दे। तो तुम इशिकाज़ी को साथ इसलिए लेकर गए थे क्योंकि वो लड़ना अच्छे से जानता है, और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो किसी नॉर्मल पर्सन के लिए तीन लोगों के साथ लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और जैसे कि तुम्हारे पास तो इशिकाज़ी भी था, तो आखिरकार सूडो ने तुम तीनों को एक साथ बीट कैसे किया? ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग लड़ना नहीं चाहते थे। अगर तुम लड़ना ही नहीं चाहते थे तो आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा जख्मी कैसे हो गए? तब क्लास जी की टीचर भी सुजुनो के साथ एग्री करती है, पर क्योगो अभी भी इस बात को मान नहीं रहा होता। तब सुजुने साकुरा को विटनेस के तौर पर अंदर बुलाती है और वो सबको बताती है कि सूडो सच कह रहा है और लड़ाई क्लास सी के स्टूडेंट से स्टार्ट की है। वो हम देखते हैं क्लास सी का टीचर काजुमा इस बात को मान नहीं रहा होता और क्लास जी पर ये इंजाम लगा रहा होता है कि उन लोगों ने इस लड़की को जानबूझ के जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर किया है। तब साकुरा उन सभी को एक प्रूफ के बारे में बताती है और उन्हें एक मेमोरी कार्ड देती है, जहां उसकी फोटोज में दिखता है कि क्लास सी के लोगों ने सूडो को पकड़ रखा होता है। तब काजुमा कहता है, इस चीज से ये तो पता चल गया कि तुम वहां प्रेजेंट थी, पर अभी तक ये पता नहीं चल सका कि आखिरकार इसे शुरू किसने किया था, तो इसलिए इससे कुछ पता नहीं लग रहा। तो चलो फिर मैं एक कॉम्प्रोमाइज ऑफर करता हूँ। क्लास जी ने जो सबूत पेश किए हैं वो काफी नहीं है, पर ये सच है कि इसमें क्लास सी भी इन्वॉल्व्ड है, और क्योंकि क्लास सी के स्टूडेंट्स जख्मी हुए हैं तो मैं एक पनिशमेंट ऑफर करना चाहूंगा, जिसमें सूडो को 2 वीक्स की सस्पेंशन दी जाएगी और क्लास सी के स्टूडेंट्स को 1 वीक की। तो क्या आप सबको ये मंजूर है? तब आयने कोजी को ये आइडिया अच्छा लगता है और साए भी इस बात पर एग्री करती है, पर तभी सुजुने उस ऑफर को मानने के लिए मना कर देती है और कहती है, मुझे पता है कि सूडो का बिहेवियर बहुत अजीब है और उसे गुस्से में पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, और शायद ये बात उसे
समझनी चाहिए। पर अभी जो इंसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मुझे उसमें पूरा विश्वास है कि सूडो उसमें गिल्टी नहीं है, और मैं इस बात को प्रूव करके रहूंगी, और मैं ये भी साबित कर दूंगी कि ये क्लास सी की चाल है। और जैसे कि विटनेस ने पहले ही बताया है कि सूडो बेकसूर है, तो मैं स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी जजमेंट को सही तरीके से दे। तब सुजुने का भाई कहता है, क्या आप दोनों क्लासेस को पूरा विश्वास है कि आपने जो कहा है वो सच है? और तब वो दोनों क्लासेस हाँ कहती है। तब सुजुने का भाई कहता है, तो मैं इस चीज का जजमेंट कल 4 बजे दूंगा, पर अगर मुझे कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि आपके अपोनेंट की स्टेटमेंट गलत है, तो आप इसके लिए गिल्टी माने जाएंगे। और तब यहाँ एनाकोजी साकुरा को हौसला दे रहा होता है। तब सुजुने का भाई उसके पास आकर कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी है, पर लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया। मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ और ना ही कोई वकील हूँ, तो इसलिए मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो क्या इसका मतलब सुजुने ये सब कुछ अकेले कर रही है? ये तो बहुत कमाल की बात है। और तब वो साकुरा से कहता है, अगर तुम अपने पॉइंट को प्रूफ ना कर पाई तो इसे एक झूठ माना जाएगा। ये सच कह रही है और मुझे इस पर पूरा विश्वास है। तो क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम इसकी बातों को प्रूफ कर सको? इसका जवाब तो तुम्हें कल पता लग ही जाएगा। तब साकुरा हमें बताती है कि मुझे हमेशा लोगों के साथ बात करने में दिक्कत आई है, क्योंकि मैं उनकी आंखों में देखकर डर जाती हूँ, और इसी वजह से मैं मास्क पहनती हूँ, और इसी वजह से मैं लोगों से अपनी आइडेंटिटी छुपाती हूँ ताकि वो मुझे हर्ट ना कर सके। और तब हम देखते हैं साकुरा को कोई स्टॉकर मेल भेज रहा होता है, और तब वो उसे उसकी कुछ पिक्चर्स भी पोस्ट करता है, जिससे साकुरा रोना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं सुजुने और एनाकोजी सूडो की लड़ाई वाली जगह को एनालाइज करने गए होते हैं। तब एनाकोजी नोटिस करता है कि वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है, और सुजुने को इसके बारे में बताता है। और तभी सुजुने को एक आइडिया आता है, और तब थोड़ी देर बाद एनाकोजी देखता है साकुरा थोड़ी टेंशन में होती है, और वो उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है, और उसे उनकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है, और उसे हौसला देता है कि अगर उसे कभी भी जरूरत होगी तो वो उसकी मदद करने जरूर आएगा। और तब कुशीदा के मैसेज आते ही एनाकोजी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं क्लास सी के स्टूडेंट्स कुशीदा से मिलने उसी जगह आते हैं जहाँ पर उन्होंने सूडो के साथ लड़ाई की थी। पर हम देखते हैं वहाँ पर उन्हें सुजुने और एनाकोजी ने धोखे से बुलाया होता है, और तब वो उन तीनों का ध्यान वहाँ पर लगे हुए कैमरों की तरफ लेकर जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग डर जाते हैं। तब इशिजाकी कहता है, अगर यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं तो इसका मतलब उन्हें पता है कि सूडो इनोसेंट है, और वैसे भी तुम लोग हमें ये क्यों बता रहे हो? तब एनाकोजी कहता है, जब ये सब कुछ हुआ तब दोनों क्लासेस को इस वजह से नुकसान हुआ, और चाहे सूडो ने कुछ किया हो या ना किया हो, पर ये सच्चाई है कि सूडो ने तुम्हें मारा था। तब इसी जाकी कहता है, तो तुम लोगों ने इसलिए हमें यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम्हें पता है किससे हम दोनों को नुकसान हो सकता है? तब एनाकोजी कहता है, सही कहा तुमने, सूडो को इस बात के लिए सजा जरूर मिलेगी, पर सच्चाई तो ये है कि तुम लोगों ने स्कूल को झूठ कहा है, जिस वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब रियो कहता है, अगर ऐसी बात है तो स्कूल ने अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? तब एनाकोजी कहता है, स्कूल हमेशा हमको टेस्ट करता है, और वो ये देखना चाहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, और उन्होंने इसी चीज को सोचने के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है। और जैसे उन्होंने कल की हियरिंग की, क्या तुम्हें उससे एहसास नहीं हुआ कि उन्हें सब कुछ पता है? तब वो तीनों इस बात को लेकर डर जाते हैं। तब क्योगो कहता है, चलो हम उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं, और शायद वो ये सब कुछ सुन के हमें माफ कर दे। तब एनाकोजी कहता है, इतनी जल्दी डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास सी और क्लास डी को बचाने का एक और रास्ता है। पर इशिजाकी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता, और तब सुजुने उन्हें अपनी कंप्लेंट को वापस लेने का आइडिया देती है। तब एनाकोजी भी उन्हें समझाता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो स्कूल के पास ऐसा कोई रीजन नहीं होगा जिससे वो दोनों क्लासेस को कोई नुकसान पहुंचा सके। तब इशिजाकी इस सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए रियोन को फोन करने लगता है, पर सुजुने तभी उसका फोन छीन लेती है और उसे इतना डरा देती है कि उसके पास सोचने का मौका ही नहीं बचता, और तब वो लोग उस डील को करने के लिए मान जाते हैं। और यहाँ मार्केट में हम देखते हैं साकुरा का कोई पीछा कर रहा होता है, और यहाँ एनाकोजी इचिनोजे को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। तब इचिनोजे कहती है, तुम लोगों ने सच में उन लोगों को पकड़ ही लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा लड़का क्लास डी में है। पर हम देखते हैं एनाकोजी उस सब का क्रेडिट सुजुने को दे देता है, और तभी उसे साकुरा का फोन आ जाता है,
जो कि उससे मदद मांग रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं उस कैमरा शॉप के एम्प्लॉय ने साकुरा को पकड़ रखा होता है और वो उसकी फोटोज को देखकर पागल हो जाता है और उसे हैरास करने लगता है। और तब साकुरा जैसे ही मदद के लिए अपने फोन को यूज करने लगती है, हम देखते हैं वो उसे पकड़ लेता है। पर तभी आयना कोजी आकर उसकी फोटो क्लिक कर लेता है और उसे पूरी तरह से डरा देता है। और तब इचुनुजी आकर उसे पुलिस के हाथों अरेस्ट करवा देती है। तब आयना कोजी साकुरा को हौसला देता है और तब साकुरा कहती है, तुम लोगों ने सच में मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे मैं हूँ, तो इसलिए आज से मैं ये झूठी जिंदगी जीना छोड़ दूंगी। तब आयना कोजी उससे वादा करता है कि अगर उसे कभी भी जरूरत होगी तो उसकी मदद करने जरूर आएगा। और तब यहाँ क्लास जी की टीचर सुजुने को मिलने अपने पास बुलाती है और कहती है, आखिरकार तुम लोगों ने उन लड़कों को अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए कैसे मनाया। तब सुजुने कहती है, ये तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तब टीचर कहती है, तो चलो फिर अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ, तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि क्लास जी को इस तरह हराने का आइडिया किसका था। तब सुजुने कहती है, आखिरकार आपको इससे क्या लेना देना। तब टीचर कहती है, अगर तुम सच में क्लास ए तक पहुँचना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, तुम्हें आयना कोजी के बारे में जितना हो सके उतना जानना होगा। तब सुजुने कहती है, आखिरकार आपके ये कहने का मतलब क्या है। तब टीचर कहती है, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि वो आखिरकार तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है और आखिरकार क्यों उस जैसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट आगे आने से मना कर रहा है। और अगर मैं स्कूल के हिसाब से बताऊं तो क्लास जी सबसे ज्यादा डिफेक्टिव लोगों से भरी होती है, पर मेरे हिसाब से क्लास जी में सबसे ज्यादा डिफेक्टिव आयना कोजी है। और तब यहाँ सुजुने का भाई कहता है, तो क्या ये सब कुछ तुमने किया है ताकि तुम ये साबित कर सको कि साकुरा झूठी नहीं है। तब आयना कोजी कहता है, ये सब कुछ आपकी बहन ने किया है। और तब सुजुने का भाई आयना कोजी को स्टूडेंट काउंसिल में सेक्रेटरी की पोजीशन ऑफर करता है, पर आयना कोजी उसके लिए मना कर देता है। और यहाँ रोहित क्लास सी के स्टूडेंट्स को अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए बहुत ज्यादा पिटवाता है और उनसे उन्हें इस चाल में फंसाने वालों का नाम पूछता है। और तब यहाँ रोहित और क्लास ए की रिप्रेजेंटेटिव आरिसू का आमना सामना होता है। और तब रोहित कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम समझती हो कि तुम यहाँ की क्वीन हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी क्लास डी और बी को क्रश करके क्लास ए तक पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मैं क्लास ए को भी क्रश कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर बस एक ही रूलर हो सकता है। और तब आरिसू इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। तब आयना कोजी सुजुने को उसके प्लान के सक्सेसफुल होने पर कांग्रेचुलेट करता है। तब सुजुने कहती है, तुमने मुझे मैनिपुलेट किया है ना, तुम ही थे जिसने मुझे बताया था कि वहाँ पर कैमरास नहीं है, जिस वजह से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मैंने ये झूठा खेल खेला। तब आयना कोजी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तब सुजुने कहती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मेरी क्लास ए तक पहुंचने में मदद करोगी, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम क्या सोच रहे थे। तब आयना कोजी कहता है, मैं बस अपनी जिंदगी को आराम से जीना चाहता हूँ, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। तब सुजुने कहती है, मुझे पता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते थे तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते। तब आयना कोजी कहता है, मैं तो बस अपनी दोस्त की मदद कर रहा था। तब सुजुने कहती है, हम दोनों ही जानते हैं कि ये झूठ है क्योंकि तुम्हें आज तक अपने दोस्तों की कभी फिक्र नहीं हुई, तो आखिरकार तुम हो कौन। तब आयना कोजी को कुछ याद आता है जहाँ वो कुछ बच्चों के साथ एक लाइन में खड़ा होता है और तभी एक बच्चा नीचे गिर जाता है, पर तब वहाँ पर खड़ा कोई बच्चा भी कोई रिएक्शन नहीं देता। तब आयना कोजी यहाँ कहता है, मैं तुम्हारी क्लास ए तक पहुँचने में मदद जरूर करूँगा, पर ध्यान रखना कि तुम मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल मत देना। यहाँ हम देखते हैं स्कूल की समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी होती है और आयना कोजी सुजुने को पूल पर जाने के लिए सुबह सुबह कॉल कर रहा होता है, पर हम देखते हैं सुजुने उससे कोई बात नहीं करना चाहती होती। और यहाँ क्लास जी के कुछ स्टूडेंट्स ड्रेसिंग रूम में लड़कियों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाने के बारे में सोच रहे होते हैं। और अगले दिन सुजुने पूल पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही वो बाहर जाती है उसे वहाँ हिराटा और कारुजावा मिलते हैं और तब वो दोनों सुजुने को अपने साथ घूमने की बात करते हैं, पर सुजुने मना कर देती है और सोचती है, मुझे दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज तक अकेली रही हूँ और आगे भी रह लूंगी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज मैं इन सभी के साथ यहाँ क्या करने आई हूँ, और इस कुशीदा को देखकर तो लगता है कि ये मुझसे नफरत करती है, पर पता नहीं फिर भी ये क्यों मुझसे इतनी फ्रेंडली बात करती है। और तब वहाँ टूडो इक्की और यामाउची भी वहाँ आ जाते हैं
और हम देखते हैं वो लोग अपने प्लान को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं और तब उन्हें रास्ते में क्लास बी भी मिल जाती है। और यहाँ हम देखते हैं गर्ल्स के चेंजिंग रूम में सिर्फ आयाने कोजी की बातें चल रही होती हैं कि कैसे वो आजकल इचिनोजे और साकुरा के साथ घुल मिल कर रह रहा है। और तब कुशीदा इसी चीज को लेकर सुजुने को टीज करने लगती है। तब सुजुने कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयाने कोजी क्या कर रहा है, वो मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है। और यहाँ हम देखते हैं लड़कियों पर नजर रखने वाले ऑपरेशन का कमांडर हीडो होता है और वो सभी को फेस टू स्टार्ट करने के लिए कहता है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग पूल पर मजे कर रहे होते हैं और सभी लड़के लड़कियों को स्विम सूट में देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तब कुशीदा यामाउची को ढूंढने लगती है, परीके इस बात को कवर कर लेता है और उन्हें वॉलीबॉल खेलने के लिए कहता है। और यहाँ यामाउची लड़कियों के बाथरूम में एंटर करने में कामयाब हो जाता है, जिसके लिए वो बाहर से सबकी एंट्री बंद कर देता है। और हम देखते हैं इस वजह से बाहर बहुत बड़ी लाइन लग जाती है। और तब जैसे ही क्लास जी की लड़कियाँ उस तरफ जाने लगती है, इके उन्हें गेम की तरफ फोकस करने के लिए कहता है। और यहाँ यामाउची को कैमरा लगाने में मुश्किल हो रही होती है और तब हीडो उसे हौसला देने लगता है। तब कुशीदा कहती है, यामाउची अभी तक नहीं आया है, क्या इके तुम्हें तुम्हारे दोस्त की चिंता नहीं हो रही है? तब इके सोचता है, अगर मैं ऐसे ही मना करता रहा तो ये सोचेगी कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, जिससे ये मुझसे नफरत करने भी लग सकती है। और तब वो हीडो को यामाउची को बाहर भेजने का सिग्नल देता है। तब हीडो यामाउची को बाहर आने के लिए कहता है, पर उसके बाहर आते ही इके बाथरूम का बहाना बनाकर अंदर चला जाता है और कैमरे को लगाने के मिशन को दोबारा से शुरू कर देता है। और तब थोड़ी देर बाद हीडे नोटिस करता है कि रियोन और उसकी टीम बाथरूम की तरफ बढ़ रही होती है और तब वो इके को मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कहता है। तब इके कहता है, मैं बस फेस टू को कम्प्लीट ही करने वाला हूँ तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। और तब हीडे सुडो को इके की मदद करने के लिए सिग्नल भेजता है, जिससे सुडो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। और तब साकुरा यामाउची को भी उनकी मदद करने के लिए जाने के लिए कहती है। तब यामाउची कहता है, हम अभी नहीं जा सकते, ये वॉलीबॉल की मेमोरीज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए तुम सभी को एक्साइटमेंट दिखानी होगी और हमें ये मैच खेलना ही होगा। जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और तब यहाँ इके बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, पर हीडे उसे बाहर आने से मना करता है क्योंकि अभी भी बाहर दो लड़कियाँ होती हैं। पर हम देखते हैं सुडो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और रियोन और उसकी टीम को आगे बढ़ने से मना करता है। पर तभी वहाँ क्लास ए के भी मेंबर्स आ जाते हैं और वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी वहाँ आ जाता है और सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। और तब यहाँ सुजुने आयाने कोजी से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अच्छे से क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम एक एथलीट हो और मैंने तुम्हें तुम्हारी स्किल को शो करते हुए देखा है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार तुम लोगों से अपनी स्किल्स को छुपा क्यों रहे हो। तब आयाने कोजी कहता है, आखिरकार ये कह कौन रहा है जो कि खुद अपनी बातें किसी को नहीं बताती है। और तब हम देखते हैं वहाँ की कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ती जाती है और इके अपने बाहर निकलने के सभी रास्तों को बंद पाकर परेशान हो जाता है और अपनी उम्मीद खोने लगता है। तब हीडे कहता है, तुम्हें अभी हार मानने की जरूरत नहीं है, इस टाइम तुम्हारे साथी हैं जो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं और वो तुम्हें बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए। और तब हीडे आयाने कोजी से वहाँ की सिचुएशन संभालने के लिए हेल्प मांगता है और तब आयाने कोजी सुजुने से इसके बारे में बात करता है। और यहाँ हम देखते हैं सुडो उन सभी को बाथरूम में जाने से रोक रहा होता है, पर तभी सभी लोगों का ध्यान सुजुने पर जाता है जो कि डाइविंग प्लेटफॉर्म के सबसे टॉप पर खड़ी होती है और कहती है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम लोग क्लास जी से हैं जिन्हें सबसे ज्यादा डिफेक्टिव माना जाता है, हम वो हैं जिन्हें प्रॉब्लम चिल्ड्रन कहा जाता है और हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि हम दूसरी क्लासेस की चालों में फंस जाते हैं और इसी वजह से क्लास सी ने हमारे साथ वो चालें चली थी, पर अब उनकी वजह से अब हमें सब कुछ सही दिखने लगा है और हमें ये भी समझ आ गया है कि अगर हम और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे कि हमें और कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। और जहाँ तक मैं जान पाई हूँ क्लास ए से लेकर क्लास जी तक सिर्फ उनकी एकेडमिक और एथलेटिक एबिलिटी में ही डिफरेंस है, जिस वजह से हमारी जैसी क्लास डी भी क्लास ए तक पहुँच सकती है, तो इसलिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम लोग क्लास ए तक जरूर पहुँच के रहेंगे। और तब क्लास जी ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और तब हम देखते हैं सुजुने गर्ल्स वॉशरूम में लगे हुए सभी कैमरास के मेमोरी कार्ड्स को बाहर निकाल लेती है, जिससे वो मिशन फेल हो जाता है।
और तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एनाकोजी सुजुने को इस मिशन के बारे में सब कुछ बताता है। और तब यहां सुजुने कहती है, तुम तो इसे पहले भी रोक सकते थे। तब एनाकोजी कहता है, अगर मैं ऐसा करता तो वो मुझे इस मिशन में कभी शामिल नहीं करते, तो इसलिए मुझे ये प्लान इस्तेमाल करना पड़ा। तो अब मुझे बताओ, तो क्या तुम्हें आज पूल पर मजा आया? तब सुजुने कहती है, मैं यहाँ पर मजे करने नहीं आई हूँ और वैसे भी मुझे अकेले रहना पसंद है। और तब हम देखते हैं एनाकोजी उसे पूल में धक्का दे देता है। तब सुजुने भी एनाकोजी को पानी में खींच लेती है। और तब क्लास जी के बाकी मेंबर्स भी उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और तब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं क्लास जी की टीचर एनाकोजी को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि कुछ दिन पहले एक पर्सन ने स्कूल को कॉल करके तुम्हें एक्सपेल करने के लिए कहा है। मुझे नहीं पता कि वो पर्सन कौन है, पर आपको भी पता है कि आप मुझे बिना किसी रीजन के एक्सपेल नहीं कर सकती। तुमने सही कहा, जब तक तुम स्कूल के अंदर हो तब तक स्कूल के रूल्स ही तुम्हें सब चीजों से बचाएंगे, पर अगर तुम कोई ट्रबल क्रिएट करते हो तो ये अलग बात होगी। और अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम एक प्रॉब्लम हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ कि अगर तुम क्लास ए तक पहुँचने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें एक्सपेल होने से बचा लूंगी। तब एनाकोजी इस डील के लिए मना कर देता है। तो टीचर कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा एक्सपेल होना पक्का है और जिससे तुम अपनी सारी फ्रीडम भी खो दोगे। तब एनाकोजी टीचर का कॉलर पकड़ कर कहता है, तुम्हें अपने आप को टीचर कहलवाने का कोई हक नहीं है, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये डील मान लेता हूँ, पर याद रखना तुम बाद में इसे रिग्रेट करोगी। तब एनाकोजी छत पर जाकर सोचता है, तो क्या मुझे अपनी फ्रीडम को बचाने के लिए अपनी फ्रीडम का बलिदान देना होगा? और यहाँ हम देखते हैं स्कूल फर्स्ट ईयर की सभी क्लासेस को एक शिप पर वेकेशन पर लाया होता है और सभी लोगों को वहाँ के नज़ारे देखकर बहुत मजा आ रहा होता है। तब एनाकोजी सोचता है, ये है लग्जरी क्रूज शिप स्पेंजरा। यहाँ पर फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट, लाइव परफॉर्मेंस थिएटर, पूल्स और इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। और यहाँ पर तो एक लग्जरी स्पा भी है। तो अगर मैं सोचूं कि मुझे इसकी टिकट खरीदनी है तो उसकी कॉस्ट मुझे 100,000 पड़ेंगी। और यहाँ हम देखते हैं लड़कियाँ पूल में एंजॉय कर रही होती हैं और लड़के वहाँ पर बैठे होते हैं। और तब इके कुशीदा को अपने दिल की बात बताने के लिए मोटिवेट हो जाता है। तब यहाँ इके कुशीदा से उसके फर्स्ट नेम से बुलाने की बात करता है और कुशीदा इस बात के लिए मान जाती है। तो गाइज, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जैपनीज कल्चर में आप किसी का फर्स्ट नेम तभी ले सकते हैं अगर आप उसके बहुत ज्यादा करीब होगे। तब यहाँ क्लास जी के बाकी बच्चे इके को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तब सुडो भी डिसाइड करता है कि वो भी आज से सुजुने को उसके फर्स्ट नेम से बुलाएगा। और तब वो लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। पर हम देखते हैं उन्हें वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब क्लास ए का लड़का उनकी बेइज्जती करने लगता है और सुडो उसके साथ लड़ने के लिए उसके टेबल पर पहुँच जाता है। और तब हम देखते हैं क्लास ए का रिप्रेजेंटेटिव कात्सुरागी अपने साथी को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है, भूलो मत, चाहे हम वेकेशन पर हैं पर स्कूल ने अभी भी हम पर नजर रखी हुई है, तो इसलिए हमारे बुरे बर्ताव के लिए हमारे मार्क्स काटे जा सकते हैं और यही बात इन लोगों को भी समझनी चाहिए। और तब हम देखते हैं सभी बच्चे सुडो के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं और सुडो फिर से चिल्लाने लगता है। तब कात्सुरागी कहता है, तुम अभी भी अपनी पुरानी मिस्टेक से कुछ नहीं सीखे हो, लगता है तुम्हें मुसीबत पे पड़ने का शौक है। और तभी के सुडो को शांत करवा के वहाँ से ले जाता है। और यहाँ हम देखते हैं इचिनोजे और उसकी क्लास की टीचर स्पा के मजे ले रहे होते हैं। तब इचिनोजे कहती है, मेरे हिसाब से हमें क्लास ए के साकियानागी और कात्सुरागी पर नजर रखनी चाहिए और हमें क्लास सी के रियोन पर भी नजर रखनी चाहिए। तब उसकी क्लास टीचर कहती है, क्या क्लास डी में कोई नहीं है? तब इचिनोजे कहती है, क्लास डी में हम सुजुने और हिराटा पर नजर रख सकते हैं। तब उसकी टीचर कहती है, पर मेरे हिसाब से हमें एनाकोजी पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेरे गट्स कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और तब यहाँ हिराटा एनाकोजी को अपने साथ घूमने के लिए बुलाता है पर वो मना कर देता है। पर हिराटा फिर भी उसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है, सच्चाई तो ये है कि मैं यहाँ तुम्हारी एक मदद मांगने आया हूँ, क्या तुम मेरे और सुजुने के बीच में बातचीत करने का जरिया बन सकते हो? मुझे लगता है कि इस तरह से हम क्लास जी को इकट्ठा कर पाएंगे। और मैंने ये भी सुना है कि
कि वही है जिसने सुडो की इनोसेंस को प्रूफ किया है। तो अगर हम इकट्ठे काम करेंगे तो हम पक्का कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। पर तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। और तब शाम को सुजुने आयनाकोजी को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये स्कूल हमें वेकेशन पर क्यों लाया है? मेरे हिसाब से ये शिप हमें एक आइलैंड पर लेकर जा रही है जिसका मालिक हमारा स्कूल है, तो इसलिए अगर हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो वापस जरूर कुछ होगा। और तब रियोइन सुजुने से मिलने आ जाता है और उसकी उसके क्लास के लोगों को फंसाने के लिए तारीफ करने लगता है और वह सुजुने के कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा होता है, पर सुजुने उसे पीछे हटने के लिए कहती है और तब वो उसे चैलेंज करके वहाँ से चला जाता है। और तब क्लास सी की दूसरी रिप्रेजेंटेटिव इबुकी वहाँ आ जाती है और रियोइन को डांटने लगती है। तब रियोइन उसके साथ भी बदतमीजी से बात करता है और तब इबुकी जैसे ही इस बात के लिए उसे मारने लगती है, एल्बर्ट उसे बचा लेता है और इबुकी को दूर फेंक कर उसे रियोइन से दूर रहने के लिए कहता है। और आयनाकोजी जैसे ही इबुकी की मदद करने लगता है, हम देखते हैं वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और तब रात को साकुरा किसी को कुछ कहने के बारे में बात कर रही होती है, पर आयनाकोजी के आने से वो एकदम से डर जाती है। तब आयनाकोजी उसे दिलासा देते हुए कहता है, अगर तुम्हें कभी भी कुछ बात करनी हो तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं उसे जरूर सुनूंगा। और तभी कुशीदा वहाँ आ जाती है जिससे साकुरा वहाँ से चली जाती है और कुशीदा वहाँ पर खड़े होकर नजारों को एंजॉय करने लगती है। तब आयनाकोजी सोचता है, जब ये इस तरह बिहेव करती है तब तो मैं भूल ही जाता हूँ कि ये एक्चुअल में कैसे रिएक्ट करती है। और तब आयनाकोजी जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, कुशीदा अपने असली रूप में आ जाती है और उसे कहती है, तुम आजकल मेरे साथ काफी ज्यादा सावधानी से रहते हो और इस बात का एहसास मुझे काफी टाइम से हो रहा है। और तभी वो पर्सनैलिटी स्विच करके आयनाकोजी से माफी मांगती है और कहती है, मैं जब भी अकेली होती हूँ या फिर मुझे लगता है कि कोई मुझे छोड़कर जाने वाला है तब मैं ऐसी हो जाती हूँ। और तब अगले दिन सभी स्टूडेंट्स को शिप के बाहर एक सीन को दिखाने के लिए बुलाया जाता है और तब वो सबको वहाँ पर इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और उनकी स्कूल की आईडीज को लेकर उन्हें एक एक रिस्ट वॉच पहनने के लिए कहते हैं और वार्निंग देते हैं कि अगर कोई भी इसे उतारेगा तो उसे सजा मिलेगी। और तब क्लास ए का टीचर माशिमा अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम सभी लोग इस आइलैंड तक पहुँच गए हैं, पर ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, तुम में से एक बीमारी के कारण हमें ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो चलो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस जगह से आपके फर्स्ट ईयर का स्पेशल एग्जाम स्टार्ट होगा और ये टेस्ट एक हफ्ते तक चलेगा। इसके लिए तुम सबको एक एक ग्रुप बनाकर इस आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा और अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। और अब सर्वाइवल का टेस्ट स्टार्ट होता है। तब आयनाकोजी सोचता है, लगता है छुट्टियाँ खत्म हो चुकी हैं। और यह हम देखते हैं स्कूल बच्चों को कुछ कैंपिंग के आइटम्स देकर आइलैंड पर छोड़ देता है। तब यहाँ रुइन क्लास ए के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव कात्सुरागी के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहा होता है और स्कूल उन्हें वहाँ के सर्वाइवल के लिए 300 पॉइंट्स देता है जिसे यूज करके वो सर्वाइवल के लिए कुछ जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। और उन्हें ये भी बताया जाता है कि अगर उनके कुछ पॉइंट्स बच जाएंगे तो उन पॉइंट्स को उनकी क्लास के पॉइंट्स में जोड़ दिया जाएगा। तब उन्हें एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जिसके अकॉर्डिंग अगर वो उन रूल्स को तोड़ते हैं तो उनके पॉइंट्स कम किए जा सकते हैं और उनके बोनस को बढ़ाने के लिए उस आइलैंड पर कुछ जगहें डिसाइड की होती हैं जहां पर उन्हें बोनस पॉइंट मिलेंगे। और अगर कोई क्लास एक जगह को हथिया लेती है तो उसे एक एस पॉइंट मिलेगा और वो सारे बोनस पॉइंट्स उनके क्लास के पॉइंट्स में ऐड हो जाएंगे। और सिर्फ एक क्लास लीडर ही है जो उस जगह को हथिया सकता है और एक जगह एक क्लास के पास सिर्फ 8 घंटे तक रह सकती है और उसके बाद उस क्लास को उस जगह को दोबारा से हासिल करना होगा और वो एक की कार्ड की मदद से ये सब कुछ कर सकते हैं। तब स्कूल उन्हें ये भी बताता है कि टेस्ट के खत्म हो जाने पर अगर आपने दूसरी क्लास के लीडर का नाम सही से गेस किया होगा तो आपको हर एक सही गैस के 50 पॉइंट मिलेंगे और अगर आपने गलत गैस किया तो आपके 50 पॉइंट कट कर जाएंगे। तो इसलिए आप सबको ध्यान रखना होगा कि आप अपने लीडर की इन्फॉर्मेशन किसी को भी ना पता लगने दें। और यहाँ हम देखते हैं क्लास जी में बाथरूम को लेकर बहस होनी स्टार्ट हो जाती है और तब युकीमुरा उन्हें वोटिंग करने का आइडिया देता है, पर हम देखते हैं वो लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हो रही होती। और तब हम देखते हैं सुडो इके और यामाउची कैंपिंग के लिए जगह ढूंढने चले जाते हैं। तब आयनाकोजी सुजुने का हालचाल पूछता है। तब सुजुने कहती है, ये जगह मेरी कंफर्ट पॉइंट से बिल्कुल अलग है, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि जो तुमने कहा था वो सच है। ये स्कूल हमें केवल एकेडमिक्स के तौर पर ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग चीजों से जज करता है। और जैसे कि अभी ईके और सुडो जगह ढूंढने के लिए गए हैं,
अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं तो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पर अगर क्लास ए और बी ये कर रही है तो हमें भी ये करना चाहिए। तब आयनकोजी कहता है, अपनी क्लास को ऊपर लेकर जाना सच में बहुत मुश्किल बात है। तब सुजुने कहती है, पर क्या तुम ये सब कुछ नहीं चाहते हो? तब आयनकोजी कहता है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो? तब सुजुने कहती है, ये यूनिवर्सिटी हमें गारंटेड जॉब देती है और ये सभी लोग इसी कारण स्कूल में आए हैं। और तब यहाँ हिराटा के समझाने पर युकिमुरा टॉयलेट के लिए मान जाता है। और तब हिराटा उनकी कैंप की जगहों को ढूंढने के लिए बंदों को इकट्ठा करने लगता है। और हम देखते हैं उनके क्लास के 9 मेंबर्स जगहों को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब वो लोग तीन तीन के ग्रुप में बटकर जगहों को ढूंढने चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं क्वेंजी बंदरों की तरह पेड़ों पर छलांग मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और आयनकोजी और साकुरा उसका पीछा कर रहे होते हैं। और क्वेंजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता और वो उन लोगों से अलग हो जाता है। और तब आयनकोजी और साकुरा को एक स्पेशल जगह मिलती है, पर हम देखते हैं क्लास ए ने उसे पहले से ही हासिल कर लिया होता है। और तब उन्हें क्लास ए के लीडर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि कात्सुरागी होता है। और यहाँ हम देखते हैं एके और उसके दोस्तों को एक सही जगह मिल जाती है और पूरी क्लास वहाँ चली जाती है। और हम देखते हैं वो लोकेशन उन बोनस लोकेशन में से एक होती है जहाँ पर उनके पास एक रिवर भी होती है। तब क्लास जी ये डिसाइड करने लग जाती है कि उनका लीडर कौन बनेगा। तब कुशीदा सुजुने का नाम ऑफर करती है और हम देखते हैं सुजुने भी इस बात के लिए मान जाती है और उस क्लास की लीडर बनके उस जगह की अथॉरिटी हासिल कर लेती है। और यहाँ इक्के सभी को रिवर का पानी पीने के लिए कह रहा होता है पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तब आयनकोजी कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें आउटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तब इक्के कहता है, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत बार आउटिंग पर गया हूँ जिस वजह से मुझे इसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तब हिराटा आयनकोजी को कुछ लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए कहता है। और तब आयनकोजी साकुरा और यामाउची लकड़ियां इकट्ठे करने चले जाते हैं। तब यामाउची आयनकोजी से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे साकुरा को पटाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अगर मैं उसके सामने अच्छा और केयरिंग पर्सन बनूंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे प्यार में जरूर गिर जाएगी। तब आयनकोजी कहता है, तो इसका मतलब तुम इसीलिए हमारे साथ आए हो। तब यामाउची साकुरा को इम्प्रेस करने में लग जाता है। और तब उन्हें वापिस आते हुए क्लास सी की रिप्रेजेंटेटिव इबुकी मिलती है जो कि बहुत जख्मी हालत में होती है। तब यामाउची उसकी मदद करने की बात करता है। तब इबुकी कहती है, मैं क्लास सी में हूँ तो इसका मतलब मैं तुम्हारी एनिमी हूँ, पर तुम फिर भी मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हो, तुम लोग तो सच में पागल हो। और तब वो लोग इबुकी को लेकर कैंप में वापिस चले जाते हैं। और यहाँ इक्के सभी को आग जलाना सिखाता है जिससे सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। और तब जब लड़कियाँ फ्रूट्स लेकर उसके पास आती हैं तब इक्के उन्हें आइडेंटिफाई करने में उनकी मदद करता है जिससे वो लोग और ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और तब वो कारियोजावा से टॉयलेट ना खरीदने की बात करने के लिए माफी मांगता है। तब आयनकोजी सोचता है, इसने इतनी आसानी और शांति से अपनी गलती मान ली है, ऐसा तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। और तब हिराटा कहता है, तो गाइस अब हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बचाने हैं। तो मेरे हिसाब से हमें 300 में से 120 पॉइंट्स तो बचाने ही हैं। और अगर हम अपने रोज की यूज करने वाली चीजों की कैलकुलेशन करें तो हमारा काम 180 पॉइंट्स में हो सकता है और आखिर में हम 120 पॉइंट्स बचा ही लेंगे। तब सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। और तब रात को आयनकोजी इबुकी से कहता है, तुम्हें थोड़ी देर और वेट करनी होगी क्योंकि वो लोग तुम्हारे मैटर पर बात कर रहे हैं। तब इबुकी कहती है, ये तो बस थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद तो वो मुझे बाहर फेंक देंगे। तब आयनकोजी कहता है, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि हमारी क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बाकियों पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। और तब हम देखते हैं कुशीदा इबुकी के लिए खाना लाती है। और तब उन्हें पता चलता है कि कोहेनजी बहाना मारकर शिप पर वापिस चला गया है जिस वजह से उनके 30 पॉइंट्स और कम हो गए हैं। और तब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ आयनकोजी और कुछ बच्चे मैथ की इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। तब एक पर्सन आयनकोजी से कहता है, तुम्हें हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर तुम्हारे पास पावर है और तुम उसे यूज नहीं करते हो तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ कहलाए जाओगे। और यहाँ देखते हैं पूरी क्लास कैंप में रहने के लिए अलग अलग कामों को कर रही होती है और हिराटा उन सबका लीडर बनके उन्हें गाइड कर रहा होता है। और तब यहाँ आयनकोजी और सुजुने एक जगह को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तब सुजुने कहती है, हमें अपने स्टैमिना को बचाना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसे ही इधर उधर घूमते रहेंगे
तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रही हो, पर अगर हम एक ही जगह पर टिके रहेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी रुइन पहले ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और उसने तुमसे निपटने का वादा भी किया है, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और तब वो दोनों क्लास बी के कैंप पर पहुंच जाती हैं और उनके एरिया को देखकर सुजुने बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, इचिनोजे क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हमारी क्लास के और तुम्हारी क्लास के लोगों के रिलेशन सही है और क्लास बी हमारा हर सिचुएशन में साथ देगी? तब इचिनोजे हाँ कहती है। और तब हम देखते हैं क्लास बी में भी क्लास सी का एक लड़का होता है जिसे क्लास सी ने अपने ग्रुप से निकाल दिया होता है। और तब वो दोनों क्लास ए के कैंप को देखने चले जाते हैं। वह हम देखते हैं वहाँ पर एक स्टूडेंट उन्हें अंदर जाने से मना कर रहा होता है और उन्हें रूल ब्रेक करने की धमकी देता है। तब सुजुने कहती है, ऐसा कोई रूल नहीं बना है जिसके हिसाब से मैं इस कैंप में एंटर नहीं कर सकती। चाहे हम इस ऑक्यूपाइड स्पेस को यूज नहीं कर सकते, पर हम इसके अंदर जरूर देख सकते हैं। और अगर तुम मुझे रोक रहे हो तो इसका मतलब तुम रूल तोड़ रहे हो। और तब हम देखते हैं कात्सुरागी बाहर आ जाता है और वो कहता है, तुम अंदर जाकर देख सकती हो, पर तुम्हें पता है ना कि जिस क्लास ने एक जगह को ऑक्यूपाइड करके रखा हो वो अपनी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए अगर तुम्हारे साथ कुछ हो तो मुझे कुछ मत कहना। और तब वो दोनों वहाँ से सीधा क्लास सी के कैंप पर पहुँच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि क्लास सी ने अपने सारे पॉइंट्स मजे करने में उड़ा दिए होते हैं और वो सारे वहाँ पर मजे कर रहे होते हैं। और तब रुइन फिर से सुजुनो के साथ बदतमीजी करने लगता है जिससे सुजुने परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। तब आयनेकोजी सोचता है, रूल में लिखा है कि अगर आप अपने सारे एस पॉइंट्स को यूज कर लेते हो तो तब आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसने उसी चीज का फायदा उठाया है। और तब वापस जाते हुए सुजुने कहती है, ये तो खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये इस वीक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पर सच्चाई तो ये है कि वो लोग तो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते, वो वही करने वाला है जो कोएनजी ने किया था, तो इसलिए वो थोड़े टाइम में क्विट करके वापिस शिप पर चले जाएंगे। ये तो इनकी एक जीरो पॉइंट स्ट्रेटेजी है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। और तब यहाँ तीसरे दिन की रात को कोई इबुकी की तलाशी लेता है। और तब अगले दिन सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं साकुरा आयनेकोजी के साथ घूमते हुए काफी खुश होती है। और तब शाम को आयनेकोजी और इचिनोसी देखते हैं कि क्लास सी अपनी जगह को छोड़कर वहाँ से जा चुकी है। और तब आयनेकोजी इचिनोजे से क्लास ए के कात्सुरागी के बारे में पूछता है। और तब इचिनोजे कहती है, जैसे कि इस टाइम साक्य नागी टेस्ट में नहीं है तो क्लास ए की सारी भागदौड़ कात्सुरागी संभाल रहा है। पर यकीन मानो तुम्हें कात्सुरागी को कम नहीं आंकना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि साक्य नागी और कात्सुरागी कभी भी एक सलाह पर एग्री नहीं करते हैं, जिस वजह से उनके बीच में बहुत टेंशन चल रही है। और यहाँ क्लास डी क्लास सी के जाने के बारे में बात कर रही होती है। तब कुशीदा इबुकी से पूछती है, क्या तुम भी उनके साथ वापस जा रही हो? पर इबुकी मना कर देती है। और तब सुडो इबुकी पर शक करने लगता है जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तब हिराटा कहता है, ये टाइम दोस्तों के बीच लड़ने का नहीं है। तब इबुकी कहती है, किसने कहा कि हम लोग दोस्त हैं? और वहाँ से चली जाती है। और तब पांचवे दिन कोई हिराटा की गर्लफ्रेंड की अंडरवियर चुरा लेता है और सारी लड़कियाँ बॉयज के ऊपर इंजाम लगाने लगती हैं, जिनसे उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। और तब लड़कियाँ हिराटा को सभी बॉयज की चेकिंग करने के लिए कहती हैं। और यहाँ इक्के को पता चलता है कि वो अंडरवियर उसके बैग में है, पर वो आयनेकोजी को उसे छुपाने के लिए दे देता है। और तब हम यहाँ देखते हैं जब हिराटा सबकी तलाशी लेता है तब वो उसे आयनेकोजी की पॉकेट में मिलती है, पर वो किसी को कुछ नहीं बताता है। और तब थोड़ी देर बाद आयनेकोजी उसे मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है, आखिरकार तुमने सबको मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? तब हिराटा कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुमने सच में इसे चुराया है? तब आयनेकोजी मना कर देता है। तब हिराटा कहता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तो क्या तुम मुझे उसे दे सकते हो? क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। और हाँ, क्या तुम मेरी असली कर्पोरेट को ढूंढने में मदद कर सकते हो? और क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली दोषी को जरूर ढूंढोगे। और तब आयनेकोजी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तब हिराटा कहता है, पर तुम्हें मुझसे एक और वादा करना होगा कि अगर तुम्हें असली दोषी मिल जाएगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, क्योंकि अगर ये सच्चाई बाहर आ जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए सच्चाई को दबा देना ही समझदारी है। तब आयनेकोजी हाँ कहता है। और तब यहाँ लड़कियाँ लड़कों से अलग टेंट लगाने की बात करती हैं और लड़के इस बात के लिए मना कर रहे होते हैं। तब कारियो जावा अपने बॉयफ्रेंड को
उनके मदद करने के लिए कहती है। तब सुजुने कहती है, मुझे हिराटा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है क्योंकि वो खुद भी एक लड़का है, तो इसलिए हमें एक और लड़के को साथ रखना चाहिए ताकि ये दोनों एक दूसरे पर भी नजर रख सके, और मैं इसके लिए आयना कोजी को चुनती हूँ। और हम देखते हैं सारी लड़कियाँ इसके लिए मान जाती हैं, और तब यहाँ आयना कोजी और हिराटा मिलके लड़कियों का टेंट सेट कर देते हैं। और तब इबुकी आयना कोजी से बात करने आती है और कहती है, इस टाइम क्लास डी के रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हैं और मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं करती क्योंकि ऐसी हरकत मैं भी नहीं सहन कर सकती थी। पर तुम्हें क्या लगता है वो चोरी किसने की होगी? क्या तुम्हें भी सूडो और बाकियों की तरह लगा कि ये सब कुछ मैंने किया है क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ, और अगर मैं भी इनकी जगह होती तो मुझे भी किसी और क्लास के बच्चे पर विश्वास नहीं होता। तब आयना कोजी कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, जिससे वो शॉक हो जाती है। तब आयना कोजी उस जगह को चेक करने जाता है जहाँ उसे इबुकी मिली थी, और तब यहाँ शाम को आयना कोजी बिल्कुल अकेला होता है। तब सुजुने कहती है, लगता है तुमने बहुत मेहनत की है। तब आयना कोजी कहता है, ये सारी तुम्हारी मेहरबानी है क्योंकि अगर तुमने मेरा नाम ना लिया होता तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। तब सुजुने कहती है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे हिराटा पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए मुझे उस पर नजर रखने के लिए तुम्हारी जरूरत थी। तब आयना कोजी कहता है, पर तुम्हें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई कुछ छुपा रहा है। तब सुजुने कहती है, मैं जानती हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, पर कुछ लोग हैं जो कि अपने अंदर के थॉट्स को अपने बिहेवियर से अलग रखते हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो, और इन सारी चीजों को ध्यान में रख के मुझे नहीं लगा कि मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। तब आयना कोजी कहता है, तो अगर ये बात है तो तुम बाकियों से झूठ क्यों कह रही हो? जब से टेस्ट शुरू हुआ है तब से तुम बीमार हो, तो तुम्हें मुझसे ये सब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तब सुजुने मना करती है। तब आयना कोजी उसका टेम्परेचर चेक करता है और उसे सच में बुखार होता है, और कहता है, क्या हमें अपने क्लास वालों को बताना चाहिए? तब सुजुने कहती है, मैं 5 दिनों से ये सह रही हूँ, तो अगर मैंने अब उन्हें ये बताया तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और तब हम देखते हैं 6वां दिन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ का मौसम बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है, और बदलते मौसम को देखकर क्लास डी अपने खाने के सामान को इकट्ठा करने लगती है। तब आयना कोजी सुजुने से लीडर कार्ड के बारे में पूछता है। तब सुजुने उसे बताती है कि वो हमेशा उसे अपने पास रखती है ताकि कोई भी उसे चुरा ना सके। तब आयना कोजी कहता है, मैंने कात्सुरागी के पास एक कार्ड देखा था, पर मुझे नहीं पता कि वो लीडर कार्ड है या नहीं, तो क्या तुम मुझे अपना कार्ड दिखा सकती हो? तब सुजुने उसे छुपाकर अपना कार्ड दिखाती है, पर आयना कोजी को फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और तभी यामाउची सुजुने को परेशान करने के लिए उसके ऊपर मिट्टी फेंक देता है, पर तभी सुजुने उसे उल्टा करके नीचे फेंक देती है। पर हम देखते हैं यामाउची को ज्यादा चोट ना आए उस वजह से आयना कोजी उसे नीचे गिरने से बचा लेता है, और तब सुजुने नहाने चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं इके के हाथ बस 2 ही फिशेस लगती है, और यहाँ बाकी सारी लड़कियाँ नहाने की लाइन में लगी होती है। और तब थोड़ी देर बाद सुजुने आयकनोजी को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है और उसे कार्ड के चोरी हो जाने के बारे में बताती है, और कहती है, मुझे कारियोजावा और इबुकी पर शक है। तब आयना कोजी कहता है, कारियोजावा तो पूरे टाइम नहाने की लाइन में लगी हुई थी और इसका विटनेस तो मैं खुद हूँ। तब सुजुने कहती है, तो इसका मतलब सिर्फ इबुकी ही बच जाती है। तब आयना कोजी कहता है, हमें इस टाइम पूरी क्लास को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो पैनिक कर जाएंगे, और इबुकी से हम खुद फेस टू फेस बात करेंगे। और तब हम देखते हैं आयना कोजी वहाँ से चला जाता है और सुजुने थोड़ा टाइम वहाँ अकेली रहती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि उनके कैंप में आग लगी होती है, जिस चीज के लिए वो इबुकी पर शक करती है। पर इबुकी को हैरान देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये काम उसका नहीं है। और तब सुजुने नोटिस करती है किसी ने गाइड को जला दिया होता है, तब इके उसे बुझा देता है। तब कुरिजावा कहती है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका मतलब हमारे बीच में कोई गद्दार है? और तब हम देखते हैं गर्ल्स और बॉयज फिर से आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और वो दोनों एक दूसरे पर इंजाम लगाने लगते हैं। और तब कुशीदा इबुकी के वहाँ ना होने के बारे में सबको बताती है, जिस वजह से सब चीजों का शक इबुकी पर चला जाता है और वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। और तब वो लोग हिराटा को ऑर्डर्स देने के लिए कहते हैं, पर हम देखते हैं हिराटा इस सिचुएशन के कारण पूरी तरह से शॉक में जा चुका होता है, पर आयना कोजी उसे होश में लाता है, और तब वो सबको अपना अपना काम बताता है, और तब आयना कोजी खुद इबुकी को ढूंढने चला जाता है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां आयना कोजी
बहुत सारे बच्चों के साथ बैठा होता है, पर धीरे धीरे बच्चे कम होते जाते हैं और आखिर में सिर्फ वो ही बच जाता है और उसे एक सेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ सुजुने इबुकी के पास पहुँच जाती है और उस पर सभी चीजों का इंतजाम लगाने लगती है। और तब इबुकी उसे अपना बैग चेक करने के लिए देती है और जैसे ही सुजुने उसके बैग को हाथ लगाने लगती है तभी इबुकी उस पर हमला कर देती है। और तब सुजुने सोचती है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा क्योंकि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं क्लास जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने हमेशा उन्हें यूजलेस कहा है, पर यहाँ देखो मैं सबसे ज्यादा यूजलेस हूँ और अब मुझे इस चीज को ठीक करने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। और कहती है, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि तुमने ही मेरे की कार्ड को चुराया है। और तभी बुकी उसे मारकर नीचे फेंक देती है और सुजुने को उसका कार्ड दिखाकर अपनी चोरी एक्सेप्ट कर लेती है। तब सुजुने कहती है, अब मैं इसके बारे में सबको बता दूंगी। तब इबुकी कहती है, पर इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तब सुजुने कहती है, मैं जब तुम्हारे पास से ये की कार्ड वापस ले लूंगी तब मैं इसके ऊपर लगे हुए फिंगरप्रिंट्स को चेक करवाऊंगी और मैं ये भी साबित कर दूंगी कि अंडरवियर्स भी तुमने चुराए थे। और तब सुजुने उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है। तब इबुकी कहती है, मुझे पूरा यकीन था कि तुम उस फायर में इन्वॉल्व हो तो इसलिए मैं इतनी देर से इसी चीज को कंफर्म करने के लिए बातें कर रही थी। तब सुजुने कहती है, तो क्या तुम्हारा मतलब ये सब कुछ आयने कोजी ने किया है। और तब इबुकी उसे लात मार कर नीचे फेंक देती है और हम देखते हैं सुजुने बीमार होने के कारण बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ एक पर्सन आ जाता है और इबुकी उसे सुजुने का की कार्ड दिखाती है। और तब कुछ टाइम बाद सुजुने का होश आ जाता है और हम देखते हैं आयनकोजी उसे एक पेड़ के नीचे लेकर आ चुका होता है। और तब सुजुने उसे सारी बात बताती है। तब आयनकोजी कहता है, तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है तो इसलिए तुम्हें इस टाइम बाहर जाना होगा और तुम इबुकी की चिंता मत करो, मैं उससे कार्ड को जरूर वापस ले आऊंगा। मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि इससे हमारी क्लास के और भी काफी सारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे जिससे कि मैं कभी भी क्लास ए तक नहीं पहुंच पाऊंगी और कभी भी अपने भाई की तारीफ के लायक नहीं बन पाऊंगी। ये सारी मेरी गलती है, अगर मेरे दोस्त होते तो हम उस कार्ड को जरूर बचा पाते, पर मेरे साथ तो कोई भी नहीं है और मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे ठीक करके रहूंगी। मैं तुम्हें ये कहना तो नहीं चाहता पर तुम इतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो कि तुम अकेले लड़ सको, तो इसलिए अगर तुम अकेले नहीं लड़ सकते तो तुम्हें किसी ऐसे को ढूंढ लेना चाहिए जो तुम्हारे साथ लड़ सके। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और उसे बेहोश कर देता है। अब आयनकोजी सुजुने को टीचर के पास ले आता है जिस वजह से सुजुने को टेस्ट से बाहर जाना पड़ता है। और तब यहाँ पर सारी क्लास को ये बात पता लग जाती है और आयनकोजी हिराटा को सारी बात बता देता है। तब हिराटा कहता है, इसका मतलब हमारे सारे बोनस पॉइंट भी उस क्लास लीडर के पास चले जाएंगे जिसे हमारे लीडर का नाम पता है और अगर हम बाकी पेनल्टीज को गिने तो उसे मिलाकर हमारे बचाए हुए 120 पॉइंट्स में से 110 पॉइंट्स तो कट भी हो जाएंगे। मुझे तो लगा था इस टेस्ट के जरिए हम इस क्लास की यूनिटी को बढ़ा पाएंगे और अपनी क्लास को जिता पाएंगे, पर अब लगता है ये क्लास खत्म होने वाली है। तब आयनकोजी हिराटा से एक मदद मांगता है और हम देखते हैं टेस्ट के एंड होने से पहले सभी क्लास के टीचर्स अपनी अपनी क्लास को दूसरी क्लास के लीडर्स को गेस करने के लिए कहते हैं और तब एग्जाम खत्म होने की घोषणा हो जाती है। पर तभी सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि रुइन अभी भी आइलैंड पर ही होता है। तब कात्सुरागी उसे कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया रुइन, तुमने क्लास ए को पूरे 500 पॉइंट्स दिलाए हैं। तब रुइन कहता है, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले रिजल्ट तो आने दो। और तब हमें रुइन का प्लान बताया जाता है जिसके अकॉर्डिंग रुइन क्लास ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जहां वो क्लास ए को 200 पॉइंट्स देगा और इसके साथ साथ उन्हें क्लास बी और क्लास जी के लीडर के बारे में बताएगा। और तब रुइन अपने दो साथियों को क्लास बी और क्लास डी में भेज देता है और तब वो अगले दिन पार्टी करके अपने साथियों को वापस भेज देता है और खुद जंगल में छुप जाता है जहां उसकी मुलाकात साक्या नागी के एक साथी से होती है जो कि खुद ही अपने क्लास के पॉइंट्स को कम करने के लिए एक बोनस पोर्ट का मिसयूज कर रहा होता है और वही उसे क्लास ए के लीडर के बारे में बताता है। और तब हम यह देखते हैं इबुके का कैमरा टूट जाने की वजह से रुइन और कात्सुरागी खुद सुजुने का कार्ड देखने आते हैं जिससे उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। और तब लास्ट दिन क्लास सी के टीचर रुइन से सभी क्लासेस के लीडर्स के नाम पूछते हैं जिसमें वो लिखता है कि क्लास ए का लीडर तोसुका याहिको है, क्लास बी की लीडर शिरानामी चीही हीरो है और क्लास जी की लीडर होरिकिटा सुजुने है। तब उसके टीचर कहते हैं, जरा खुद को देखो रुइन, तुम्हारे हिसाब से
तुम्हें हार्डवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर देखो तुमने एक सोल्जर की तरह यहाँ पर दिन बिताए हैं ताकि तुम अपनी क्लास को जिता सको, और इसके चक्कर में देखो तुमने कितना हार्डवर्क किया है। तब रुविन कहता है, अब जब मुझे सारे क्लासेस के लीडर्स के नाम पता है तो मुझे उन सभी क्लासेस के लीडर्स के नाम गेस करने के 150 पॉइंट्स और साथ साथ उन सभी क्लासेस के बोनस पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, जिससे हम क्लास ए से आगे निकल जाएंगे, जिसका मतलब मैं जीत जाऊंगा। और तब हम देखते हैं क्लास ए का टीचर एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस करने लगता है और कहता है, क्लास सी लास्ट आई है विद 0 पॉइंट्स, क्लास ए थर्ड पोजीशन पर आई है विद 120 पॉइंट्स, क्लास बी 140 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पर आई है, और फर्स्ट प्लेस पे क्लास डी आई है विद 225 पॉइंट्स। जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। तब सुजू ने ये देखकर कहती है, आखिरकार ये हुआ कैसे? और तब यहाँ क्यूएनजी सबका स्वागत करता है और सुडो उसे क्लास के 30 पॉइंट्स माइनस करने के लिए सुनाने लगता है। और तब सुजू ने आयनोकोजी से सब बातें पूछने उसके पास आ जाती है। और तब यहाँ साक्या नागी कात्सुरागी के फैक्शन के खत्म होने पर बहुत खुश हो रही होती है। तब हाशिमोटो कहता है, अब वो किसी के ऊपर अपना राज भी नहीं चला पाएगा, और जब हम सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब क्लास ए को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और तब हमें यहाँ पता चलता है कि हाशिमोटो ही वो पर्सन है जो कि रुइन से मिला हुआ था, और उसी ने क्लास ए के लीडर की इन्फॉर्मेशन उसे दी थी। और तब यहाँ कांजाकी इचिनोजे को सेकंड प्लेस पर आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तब इचिनोजे कहती है, वैसे इसमें कोई बुराई तो नहीं है, पर फिर भी मुझे बहुत हैरानी है कि हम क्लास जी से हार गए। तो कांजाकी, क्या तुम्हें याद है कि टीचर्स ने हमें स्टार्टिंग में कहा था कि हम पॉइंट्स की मदद से कुछ भी खरीद सकते हैं, पर क्या तुम जानते हो कि अगर तुम बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लोगे तो तुम उन्हें यूज करके किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और तब यहाँ रुविन कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि हम क्यों हारे हैं और क्लास डी क्यों जीती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्लास डी के लीडर को गलत गैस किया। और तब हम यहाँ देखते हैं कि आयनोकोजी ने क्लास जी के लीडर पर अपना नाम लिखवा दिया होता है, और वो कहता है, जैसे कि तुम्हें याद होगा कि हम तब तक अपने लीडर को चेंज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो, पर तुम्हारी हेल्थ की वजह से हमें ये चांस मिला, तो इसलिए कात्सुरागी और रुइन ने क्लास जी के लीडर का गलत नाम गेस किया। तो इसका मतलब ये सब कुछ तुमने अकेले किया है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जानता था कि इबुकी हम पर नजर रख रही है, तो इसलिए मैंने उसका डिजिटल कैमरा डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो तुम्हारे कार्ड को चुराने के लिए मजबूर हो जाए, और तब मैंने तुम्हारी तबीयत के खराब होने का वेट किया, और जब तुमने मुझे अपना कार्ड दिखाया था तब मैंने उस टाइम तुमसे ये इसलिए पूछा था ताकि इबुकी उस कार्ड को देख सके, और मैंने यामाउची को साकुरा के ईमेल एड्रेस के बदले में तुम्हारे ऊपर मिट्टी फेंकने के लिए कहा था, जिस वजह से इबुकी को उस कार्ड को चुराने का चांस मिला, और तब मैंने इबुकी को कैंप से भागने में मदद करने के लिए कैंप में आग लगा दी, और उसके बाद मैंने तुम्हें बाहर भेज दिया और खुद लीडर बन गया। पर पहले मैंने ये प्लान नहीं बनाया था, पहले मैं स्पोर्ट्स के बोनस पॉइंट्स की मदद से जीतना चाहता था, पर तब मैंने एक स्पोर्ट्स से कात्सुरागी को बाहर निकलते हुए देखा। तो क्या इसका मतलब वो क्लास ए का लीडर था? वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि कोई उसके हाथ में कार्ड देख ले जब वो स्पोर्ट को हासिल करने जाए, और उसने वो सब कुछ सच को छुपाने के लिए किया था। तब मुझे पता चला कि क्लास ए का असली लीडर याहिको है, और मुझे पहले से ही पता था कि रुविन जंगल छोड़ के नहीं गया है, क्योंकि जब हम रुविन से मिलने गए थे तब मैंने उसके पास एक वॉकी टॉकी देखा था, और तब मुझे इबुकी के पास भी वही वॉकी टॉकी मिला। तब मुझे यकीन हो गया कि रुविन ही क्लास सी का लीडर है, और तब मैंने ये प्लान बनाया, पर मैंने क्लास बी को छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा अगर हम क्लास बी के साथ ऐसा करेंगे तो हमारी दोस्ती टूट सकती है, जिस वजह से हमारे आने वाले टाइम में हमें मुसीबत फेस करनी पड़ सकती है। और वैसे भी मुझे क्लास बी की चिंता नहीं थी क्योंकि वहाँ पर पहले से ही क्लास सी का जासूस था, जिस वजह से क्लास ए और क्लास सी को क्लास बी के लीडर के बारे में पता चल गया और क्लास बी के पॉइंट्स अपने आप ही कम हो गए। तुमने तो इस टेस्ट में सच में सभी को अकेले ही हरा दिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्लास ए में पहुंचने का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों करी? और तब पूरी क्लास जी सुजुने को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया कह रही होती है, क्योंकि आयनोकोजी ने इस बार भी अपना सारा क्रेडिट हिराटा को कहकर सुजुने को दे दिया होता है। तब कुशीदा आयनोकोजी से कहती है, सुजुने सच में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है और मुझे इससे नफरत है क्योंकि ये किसी से कुछ नहीं छुपाती है, ये बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है। तो आयनोकोजी, अगर तुम्हें मुझ में और सुजुने में किसी एक को चुनना पड़े तो तुम सुजुने को ही चुनोगे ना? मुझे नहीं पता।
और तब हम देखते हैं उसकी क्लास टीचर उसे थिएटर में मिलने के लिए बुलाती है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तब आयनको जी कहता है, तो क्या अब आप मुझे ये बताएंगी कि जो आपने मुझे बात बताई थी वो सच थी या नहीं, और अगर आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है तो मैं इसके आगे कोई काम नहीं करूंगा। जिस पर्सन ने मुझे फोन किया था वो तुम्हारे फादर थे और उन्होंने मुझे कहा था कि किसी दिन आयनको जी खुद की भलाई के लिए सब कुछ तबाह कर देगा। तो अब तुम आगे क्या करोगे आयनको जी? आपको इसका जवाब पहले से ही पता है, मैं अपने डैड की वार्निंग्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। और तब हमें फिर से क्लास ए का क्लास सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जाता है, जहां लिखा होता है कि अगर क्लास सी ने अपने सारे वादे पूरे किए तो क्लास ए के सारे स्टूडेंट्स हर महीने रुविन को ग्रेजुएशन तक 20,000 प्राइवेट पॉइंट्स देंगे। तब रुविन कहता है, मैं हमेशा से इसी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे था, पर उस क्लास जी ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। और तब यहाँ सुजू ने आयनको जी से कहती है, मुझे पता लगा कि तुमने हिराटा को बताया कि मैंने तुम्हें क्लास ए और क्लास सी के लीडर्स के नाम बताए हैं। आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे किसी शील्ड की तरह यूज कर रहे हो? तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें दोस्तों की जरूरत है? मैंने अब वही किया है। ठीक है, अब मैं मानती हूँ कि हम लोग साथी हैं, पर अभी तुम ये मत सोचना कि हम लोग दोस्त हैं। हम बस क्लास ए तक पहुँचने के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं, और मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तब आयनको जी सोचता है, सुजू ने जो तुम कह रही हो वो गलत है, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें अपने साथी की तरह नहीं सोचा और ना ही कुशीदा और हिराटा को अपना साथी माना। मेरे लिए सारे इंसान बस खिलौने हैं और उन्हें मैं किसी भी तरह यूज कर सकता हूँ। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसे सैक्रिफाइस करना पड़े, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ जीतना ही सब कुछ है और आखिर में सिर्फ मैं ही जीतूंगा। और गाइज इसी के साथ क्लासरूम ऑफ इलाइट का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब गाइज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सीजन 1 कैसा लगा। और गाइज लास्ट एपिसोड देख के तो सच में मजा ही आ गया, जहां हमने देखा कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर आयनकोची सभी को मैनिपुलेट करता जाता है और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अब तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो गाइज नेक्स्ट सीजन का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप स्क्रीन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करके अगले सीजन को देख सकते हो।